वेलकम यू ऑल टू एट्स आरती। इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम आपका आर्ट एंड कल्चर में एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी हर साल एक या दो क्वेश्चन मिनिमम जरूर पूछा करता है। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आप जो बल्कि बुक्स रेफर करते हैं, समटाइम्स नितिन सिंघानिया की भी बुक है, एनसीईआरटी में भी ये टॉपिक दिया हुआ है, उससे पढ़ने के बाद भी आई हैव सीन इन पास्ट फ्यू ईयर कि पीपल आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। कॉन्टेंट इतना सारा है और इतना टेक्निकल है कि अगर आपका फिलॉसफी ऑप्शनल है तभी आप इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, अदरवाइज यू एंड अप वेस्टिंग दिस क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, ठीक है ना। तो व्हाट वी विल बी डूइंग इन दिस वीडियो, इट्स अ लॉन्ग वीडियो, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 मिनट, एंड इन दिस टाइम आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू ऑल द इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम विच यूपीएससी कैन आस्क इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिए, मिनिमम एक क्वेश्चन, चांसेस है दो क्वेश्चन के आपके इस वीडियो से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100% आएंगे, है ना। एंड आई गारंटी यू कि इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम पढ़ने के लिए इससे बेस्ट वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, है ना। देखिए, पढ़ने को फिलोसफी में आपको यहाँ पे 4-5 घंटे 6 घंटे में भी पढ़ा सकता हूँ, बट वो फिलोसफी ऑप्शनल के लिए होगा। हमें पढ़ना है इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम फॉर दी जीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो क्या क्या पॉइंट यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछता है उस टॉपिक से, उसी उन्हीं पॉइंट्स को रेंज में रख के मैं इस वीडियो को कवर करूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, एंड तक देखिए। इस डॉक्यूमेंट का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, इस पीडीएफ को भी आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, है ना। समझते जाइए, याद करते जाइए, मिनिमम 1 क्वेश्चन की गारंटी है, है ना। 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, चलो देखते हैं। तो ट्रेंड जैसा कि मैंने आपको समझाया, 2-3 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, और जो भी नॉन फिलॉसफी ऑप्शनल के बैकग्राउंड के लोग हैं उनके लिए टॉपिक समझना और भी ज्यादा मुश्किल रहता है, ठीक है ना। जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल रहा है उनके लिए थोड़ा आसान है ऑफ कोर्स, लेकिन जिनका फिलॉसफी ऑप्शनल नहीं रहा है वो मोस्टली मैंने देखा है इस क्वेश्चन को पेपर में हाथ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले समझते जाओ वीडियो को, है ना, कि कुछ कॉमन थीम्स देखते हैं जहां से यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, कुछ पूरे टॉपिक के कुछ कॉमन थीम्स प्लस की कॉन्सेप्ट, ताकि जब मैं फिलॉसफीज आपको समझाऊं तो इन कॉन्सेप्ट को आप फिलॉसफर से लिंक कर पाओ, है ना। बिल्कुल बेसिक बेसिक तरीके से बिल्ट अप करते हैं इस पूरे टॉपिक को। सबसे पहले लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है? लॉ ऑफ कर्मा इज वेरी सिंपल, एज पर योर एक्ट्स, एज पर योर डीड यू विल गेट द फ्रूट्स। सिंपल है, आपने सुना होगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये सिंपल फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ कर्मा। देयर इज अ लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन वॉट एक्शन यू आर टेकिंग एंड वॉट एवर थिंग्स यू आर गेटिंग इन योर लाइफ। समझ में आया? तो ये इसे इस प्रिंसिपल को बोलते हैं लॉ ऑफ कर्मा, है ना। अब इसको सोचते जाओ, देखो भाई, जब पूरा फिलोसफिकल सिस्टम इवॉल्व हो रहा होगा समवेयर इन द एंशियंट टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो धीरे धीरे इवॉल्व हुआ होगा। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि एक साथ सारी चीजों के बारे में बता दिया गया, है ना। अब जब लॉ ऑफ कर्मा की बात आई, है ना, इसको आप इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी देखना, आपको और मजा आएगा बातें समझने में, है ना, आपकी लाइफ में भी वैल्यू ऐड होगी। लॉ ऑफ कर्मा की यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी अगर आप सोशल यूटिलिटी की बात करोगे, है ना। ऑल द फिलोसफिकल सिस्टम आर द बेस ऑफ रिलीजन इन इंडिया। इंडिया में जो रिलीजन है, जो लोग आज के टाइम में फॉलो करते हैं, उनका जो बेस है वो ये सब फिलॉसफीज है, है ना भाई। बुद्धिज्म ने अपनी फिलॉसफी दी, जैनिज्म ने अपनी फिलॉसफी दी, हिंदुइज्म जिसे आप वेदांत के नाम से जानते हैं, है ना, उन्होंने अपनी फिलॉसफी दी। इन्हीं फिलॉसफी के बेसिस पे रिलीजन है। अब आप मुझे बताओ कि रिलीजन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल क्या है सोसाइटी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल यूटिलिटी क्या है, स्पेशली अगर हम एंशियंट और मिडिवल टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, है ना। अगर आप एंशियंट टाइम पे देखोगे तो रिलीजन की मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशल यूटिलिटी थी मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर, है ना। ह्यूमन बीइंग्स पहली बार उस एनिमल एग्जिस्टेंस से सिविलाइज्ड बन रहे थे, है ना। तो उन्हें यह बताना जरूरी था कि जो आप एक्शन ले रहे हो उनके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ताकि आप अपने एक्शन को प्यूरिफाई करो और एक सोशल ऑर्डर सोसाइटी में बना रहे। यही है ना भाई, आप सोचो, आप अपने आप को ले जाओ 5th century 6th century BC में, है ना। अब आप हो उस टाइम के बिल्कुल राजा महाराजा और आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन रखना है, तो पहले तो लोगों को ये सिखाना जरूरी है कि भाई जो काम कर रहे हो उसका इम्पैक्ट है ना। और सिंपल इस तरीके से अगर लोगों को बोलोगे लोग समझेंगे नहीं,
उस बात को जब आप फिलोसफी और रिलीजन का चोगा पहना दोगे तब लोगों के समझ में आएगा, इजंट इट? ठीक है ना? तो ये सोशल यूटिलिटी भी समझते जाओ, आपको ना रिटेंटिविटी में बहुत हेल्प होगी, वरना इस टॉपिक को लोग रटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉ ऑफ कर्मा को एस्टैब्लिश किया गया। अब कुछ समझदार लोग आए जिनका थोड़ा लॉजिकल दिमाग चलता था, है ना, उन्होंने ये बोला, उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया कि यार ऐसा नजर तो नहीं आ रहा मुझे कि जैसा आप करते हो वैसा आप भरते हो। आप अपनी सोसाइटी में देखते हो ना कि मे बी कोई करप्ट आदमी है, फिर भी वो आराम से बढ़िया ठीक ठाक लाइफ जी जाता है। तो उस लॉ ऑफ कर्मा पे क्वेश्चन उठा होगा कि यार ये सही नहीं लग रहा है, मैं इसमें गड़बड़ है कुछ, इजंट इट? है ना? तो वहां से फिर नया कॉन्सेप्ट आया। क्या कॉन्सेप्ट आया? लोगों ने बोला, जो फिलोसफी या रिलीजन लेके आना चाह रहे थे, उन्होंने बोला कि यार इस लाइफ में हो सकता है उसका इंपैक्ट ना हो सकता है अगली लाइफ में आपको अपने इस जन्म के कर्मों का फल भुगतना पड़े, इजंट इट? तो मेंटू जो जो इनकंसिस्टेंसी थी, जो ऑब्जर्वेशन में आई कि भाई जो जैसा कर रहा है ऐसा नहीं है कि वो वैसा भर रहा है, उस इनकंसिस्टेंसी को रिजॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट आया। उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं रीबर्थ, पुनर्जन्म, है ना, कि भाई आज जो आपको फल मिल रहे हैं हो सकता है वो आपके पिछले जन्म के कर्मों के हो। ठीक है, समझ में आया रीबर्थ का कॉन्सेप्ट आपको क्या है? अब सुनो मेरी बात। चलो भाई रीबर्थ का कॉन्सेप्ट आ गया, किसी ने देखा नहीं है रीबर्थ, है ना, लेकिन फिर ये लॉजिक उठा कि जो पहली लाइफ है और जो किसी का पुनर्जन्म है या दूसरा या तीसरा या चौथा लाइफ है, उनके बीच में कनेक्शन क्या है? हाउ डू वी नो? कुछ तो कॉमन कनेक्शन होगा ना, तभी उसको रीबर्थ बोलेंगे, है ना। तो उस कॉमन कनेक्शन के लिए इन्वेंशन हुआ, उसे बोलते हैं सोल। सोल आपकी आत्मा, ठीक है ना, और वो जो आपकी सोल है उसका ट्रांसमाइग्रेशन होता है। ट्रांसमाइग्रेशन मतलब एक बॉडी को छोड़ के सोल दूसरी बॉडी में जाती है, समझ में आया? तो इसको बोलते हैं ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। देख रहे हो अब लॉजिक कैसे बिल्ट होते जा रहे हैं, कि पहले लॉ ऑफ कर्मा दिया, उसको जस्टिफाई करने के लिए रीबर्थ दिया, उसको जस्टिफाई करने के लिए द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल दिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो यूपीएससी में क्या रिलेवेंसी है इस चीज की। यूपीएससी आप अगर पीवाईक्यू जाके देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट लॉ ऑफ कर्मा एक्सेप्ट करता है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट रीबर्थ एक्सेप्ट करता है, कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल एक्सेप्ट करता है। अब आपको यह समझ में आ गया, जो स्कूल ऑफ थॉट लॉ ऑफ कर्मा एक्सेप्ट करेगा उसे रीबर्थ भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो रीबर्थ एक्सेप्ट करेगा उसे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इजंट इट? ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर, उसे मैं आगे बताऊंगा आपको, है ना। ओनली वन एक्सेप्शन इज देयर इन दिस थ्योरी, है ना, उसको मैं आगे बताऊंगा। कौन सा एक्सेप्शन है? बुद्धिज्म। क्यों है? वो लॉजिक बाद में डिस्कस करेंगे जब बुद्धिज्म डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं। अब देखो, अब जो अगली थीम है जहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है वो है फाउंडर, कि इस पर्टिकुलर फिलोसफी के फाउंडर कौन थे। तो जब हम सारी फिलोसफीज कवर करेंगे, है ना, चरवाका, जैनिज्म, बुद्धिज्म, तो सबके फाउंडर डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन थे, है ना। इसके बाद है वेदास। अब ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेदास आपने सुना होगा वेदास के बारे में, है ना। अब कौन सा स्कूल ऑफ थॉट वेदास को मानता है और कौन सा स्कूल ऑफ थॉट वेदास में बिलीव नहीं करता है, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है इस पूरे फिलोसफिकल सिस्टम में। दोबारा बताता हूं, देर आर सम स्कूल ऑफ थॉट्स विच बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी एंड इनफैलिबिलिटी ऑफ वेदास, देन देर आर सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट विच डू नॉट बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास। उस बेसिस पे स्कूल डिवाइड होंगे, ठीक है ना। चलो सॉरी। इसके बाद नेक्स्ट है गॉड। नेक्स्ट है गॉड, गॉड का कॉन्सेप्ट। देखो भाई, एक तो ये चीज याद रखना, यहां पे जब हम फिलोसफी में गॉड वर्ड यूज कर रहे हैं तो हम हमारा गॉड का मीनिंग है क्रिएटर गॉड, मतलब गॉड इज समबडी हु हैज क्रिएटेड दिस वर्ल्ड। कॉन्टेक्स्ट होगा ना, जब हम फिलोसफी में गॉड के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटर गॉड, याद रखना। आप बोलोगे और क्या कॉन्सेप्ट है, बताता हूं और क्या कॉन्सेप्ट है। एक कॉन्सेप्ट है भगवान का, ये जो आप कॉमन टर्मिनोलॉजी यूज करते हो ना अपने डे टू डे लाइफ में, उसका मीनिंग समझना, है ना। भगवान जो आप कॉन्सेप्ट यूज करते हो, भगवान इज नॉट सिमिलर टू गॉड, भगवान इज नथिंग बट ही इज द ओनर ऑफ गुड क्वालिटीज, इज नॉट द क्रिएटर गॉड। जब आप फिलोसफी में गॉड की बात करते हो तो आई विल ऑलवेज बी टॉकिंग अबाउट क्रिएटर गॉड, समझ में आया, है ना। तो यूपीएससी अगर पूछेगा एग्जाम में, है ना, कि एज पर बुद्धिज्म गॉड एग्जिस्ट, आपको क्या लगेगा? हाँ है, बुद्धा भी गॉड थे? नहीं,
वो क्रिएटर गॉड की बात कर रहा है, एज पर बुद्धिज्म क्रिएटर, देयर इज नो क्रिएटर गॉड, वो हम पढ़ेंगे आगे, अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो, गॉड मतलब क्रिएटर गॉड, समझ में आया, आगे चलते हैं। तो अगेन सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट विल एक्सेप्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ क्रिएटर गॉड एंड सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट विल रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, इस बेसिस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो भाई अगला कॉन्सेप्ट क्या आया, लिबरेशन या साल्वेशन। अब जो भी हम सोशल ऑर्डर मेंटेन रखना चाह रहे थे, जो सोशल यूटिलिटी थी रिलीजन की, वो तो एक सोशल यूटिलिटी थी, बट इंडिविजुअल बेसिस पे क्या यूटिलिटी है, ये जितने भी इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी हैं या ओवरऑल फिलोसफिकल सिस्टम है, उनका गोल क्या है ना, उनका गोल है मोक्ष, लिबरेशन, है ना, दिस इज द हाइएस्ट गोल जो कि इंडिविजुअल को वो देते हैं कि आपका गोल क्या होना चाहिए लाइफ में, लिबरेशन का। तो आपको दिखेगा कि यूपीएससी यहां से ही बार बार क्वेश्चन पूछता रहता है कि कौन से स्कूल ऑफ थॉट के लिए लिबरेशन का क्या मीनिंग था, जैसे यूपीएससी ने निर्वाणा पूछा हुआ है कि निर्वाणा का क्या मीनिंग होता है बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग, निर्वाणा इज नथिंग बट लिबरेशन इन बुद्धिज्म, इजंट इट, समझ में आया। तो आपको हर स्कूल ऑफ थॉट में यह देखना है कि लिबरेशन का मीनिंग क्या है हर स्कूल ऑफ थॉट में, एंड उसका रास्ता क्या है, पाथ, भाई रास्ता भी तो बताएगा ना हर स्कूल ऑफ थॉट, बुद्धिज्म अपना माध्यमिक मार्ग बताएगा, जैनिज्म अपना मार्ग बताएंगे, वेदांत फिलोसफी अपना मार्ग बताएगा, तो वो पाथ टू साल्वेशन, पाथ टू लिबरेशन, वहां से भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया, यहां तक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है आई एम अज्यूमिंग, है ना। इसके बाद अगला एक जैनिज्म और बुद्धिज्म, इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेंगे, है ना। देखिए जो ये फिलोसफी के वीडियोस कवर करने वाला हूं मैं, तो यहां पे जैनिज्म और बुद्धिज्म की जो बेसिक फिलोसफी है उसको थोड़ा स्टडी कर लेंगे, वहां से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा करता है, ठीक है, डन, आगे बढ़े। चलो तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए, आई जस्ट हेल्प यू इन रिवाइजिंग इट वंस अगेन, ऊपर ऊपर से देखते हैं। लॉ ऑफ कर्मा, लॉजिक एस्टैब्लिश करा बिटवीन योर एक्शन एंड व्हाट फ्रूट्स यू आर गेटिंग। लॉ ऑफ कर्मा में इनकंसिस्टेंसी आई कि भाई हमें तो नहीं दिख रहा कि एज पर द एक्शन पीपल आर गेटिंग द फ्रूट, तो उसके लिए रीबर्थ आया, है ना, रीबर्थ मतलब पुनर्जन्म। फिर पुनर्जन्म में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल आया, सिंपल है। तो जो भी बिलीव करेंगे तीनों चीजों में बिलीव करेंगे, है ना। फिर अलग अलग थिंकर देख, जो भी फिलोसफिकल स्कूल हैं उनके फाउंडर्स को हमें देखना है कि किस किस ने फाउंड किया वो स्कूल। फिर वेदास के बारे में हमने बात करी, गॉड मतलब क्रिएटर गॉड के बारे में हमने बात करी। देन द अल्टीमेट गोल ऑफ ऑल द फिलोसफीज आर लिबरेशन एंड एवरी फिलोसफी विल गिव इट्स पाथ टू लिबरेशन, सिंपल है। और लास्ट में हमने बोला कि जैनिज्म और बुद्धिज्म को थोड़ा डेप्थ में देखना पड़ेगा, ठीक है ना। ओवरऑल सेवन स्कूल ऑफ थॉट है, सेवन स्कूल ऑफ थॉट है ना, तो देखते हैं एक बार। सर एक और क्लासिफिकेशन देखेंगे सबसे पहले, जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है, हेटरोडॉक्स और ऑर्थोडॉक्स। तो यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट हेटरोडॉक्स है, इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट ऑर्थोडॉक्स है। पहले तो आप इसका मतलब समझ लो। देखो भाई अगर फिलोसफी से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसी के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना पड़ेगा, तो टर्मिनोलॉजी पता होनी बहुत जरूरी है, ठीक है। हेटरोडॉक्स का क्या मीनिंग होता है, दोज हु डू नॉट बिलीव इन वेदास। मैंने आपको बोला था ना वेदास में कि देर आर सर्टेन स्कूल ऑफ थॉट हु डू नॉट बिलीव इन दी अथॉरिटी ऑफ वेदास, उनको बोलते हैं हेटरोडॉक्स, याद रखोगे। तो जो स्कूल ऑफ थॉट वेदास में बिलीव नहीं करते, है ना, उनको हम बोलेंगे हेटरोडॉक्स। एग्जाम्पल क्या है, चरवाका, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, याद करते जाओ। तो देर आर थ्री स्कूल ऑफ थॉट हु आर हेटरोडॉक्स एज दे डू नॉट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास। एक तो चरवाका है, चरवाका हार्ड कोर मेटीरियलिस्टिक, ठीक है ना, और जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, इन सबको अभी डिटेल में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट बताता हूं आपको यहां पे। देखो भाई अगर आप जैनिज्म और बुद्धिज्म के इंडियन सबकॉन्टिनेंट में राइज का सोशल कॉन्टेक्स्ट देखोगे, है ना, समवेयर 5th-6th century BC के अराउंड जब भगवान महावीर आए, जब गौतम बुद्ध आए, तो उस टाइम पे जैनिज्म और बुद्धिज्म इंडियन सबकॉन्टिनेंट में राइज किया, एंड देर वॉज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट टू दिस एज वेल। आपने पढ़ा होगा समवेयर एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर में, सोशल कॉन्टेक्स्ट क्या था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी थी हिंदुइज्म में, देर वॉज अ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी वॉज देयर। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ग्रो किया, वो एक तरीके से ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी को चैलेंज करने के लिए ग्रो किया,
तभी आपको दिखेगा कि जैनिज्म और बुद्धिज्म ने दे स्टार्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेजिटेरियनिज्म, है ना। अब कंट्रोवर्शियल बात हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ते, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली इन्होंने जो जैनिज्म और बुद्धिज्म रिलीजन इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आए, दे क्रिटिसाइज या दे डू नॉट बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, समझ में आया। तो दे प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव टू लोअर कास्ट पीपल, है ना, कि इंस्टेड ऑफ बीइंग अ विक्टिम टू ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी यू कैन चूज जैनिज्म और बुद्धिज्म। तभी आपको दिखेगा ना कि वाई अंबेडकर वाज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय बुद्धिज्म, समझ में आ रहा है कॉन्टेक्स्ट आपको सारा, ठीक है। तो अब ये याद रखना, जैनिज्म बुद्धिज्म चरवाका दे थ्री स्कूल ऑफ थॉट हु डू नॉट बिलीव इन अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। आगे बढ़े, इनको बोलते हैं हेटरोडॉक्स स्कूल। आगे देखते हैं आप ऑर्थोडॉक्स, हेटरोडॉक्स समझ में आए तो ऑर्थोडॉक्स भी समझ में आएंगे। ऑर्थोडॉक्स कौन से होंगे, दोज हु बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, दोज हु बिलीव कि वेदास ही आपको सही रास्ता दिखाते हैं, दोज हु बिलीव कि वेदास आर इनफेलिएबल, ठीक है। तो दोज हु बिलीव दैट वेदास आर इनफेलिबल, इनफेलिबल मतलब दे कैन नॉट बी रिफ्यूटेड, मतलब कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है। कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट हैं, इसे याद करो, सांख्य एंड योगा, न्याय एंड वैशेषिका, मीमांसा एंड वेदांता, दीज आर द सिक्स स्कूल ऑफ थॉट विच बिलीव इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास, इनको बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल। याद रखोगे ये, इनको ना एक साथ ही याद रखना है, ये सिक्स स्कूल ऑफ थॉट, बट इसी तरीके से पेयरिंग में याद रखना, बताऊंगा क्यों पेयरिंग में याद रखना। सांख्य योगा इसका पेयर है, न्याय वैशेषिका इनका पेयर है, मीमांसा एंड वेदांता इनका पेयर है। बता दो उनकी पेयरिंग क्यों हुई है। इनकी पेयरिंग इसलिए हुई हुई है कि जैसे सांख्य ने कुछ बोला, सांख्य ने अपना कुछ थॉट दिया, तो वो योगा ने एक्सेप्ट किया हुआ है ना। इनको बोलता है अलाइड स्कूल, है ना। तो न्याय जो बोलता है वो वैशेषिक एक्सेप्ट करता है, मीमांसा जो बोलता है वो वेदांत एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो इनको साथ में आप याद करो, दीज आर द अलाइड स्कूल, सांख्य योगा न्याय वैशेषिका मीमांसा वेदांता, है ना। और इन्हीं सिक्स स्कूल ऑफ थॉट को इंडियन फिलोसॉफिकल स्कूल बोलते हैं शदांग। क्यों बोलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो स्कूल ऑफ थॉट है जो वेदास को बिलीव कर रहे हैं। तो आया हुआ ये क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, है ना, कि इनमें से कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट इंडियन स्कूल ऑफ थॉट में आते हैं, इंडियन फिलोसफी में आते हैं, जिसको हम शदांग बोलते हैं, है ना। शदांग मतलब सिक्स स्कूल ऑफ थॉट, कौन कौन से हुए, सांख्य योगा न्याय वैशेषिका मीमांसा वेदांता, दीज आर द सिक्स स्कूल ऑफ थॉट ऑफ इंडियन फिलोसफी। याद रखोगे, दे आर बिलीविंग इन द अथॉरिटी ऑफ वेदास ऑर्थोडॉक्स। आगे बढ़ सकते हैं, चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। आप इस वीडियो को दो बार देख लेना, आपको इंडियन फिलॉसफी के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉर दी जीएस प्रीलिम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, है ना। थीस्टिक एंड अथीस्टिक, दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, है ना। थीस्टिक एंड अथीस्टिक में क्या है, डू गॉड एग्जिस्ट, जो स्कूल ऑफ थॉट बोलेंगे गॉड एग्जिस्ट करते हैं वो थीस्टिक है, जो स्कूल ऑफ थॉट बोलेंगे गॉड एग्जिस्ट नहीं करते वो अथीस्टिक है। सिंपल है, है ना, याद हो जाएगा। गॉड का मीनिंग क्या था, याद करना, गॉड का मीनिंग क्रिएटर गॉड, ओनर ऑफ गुड क्वालिटी नहीं, वो भगवान है, है ना, ये चीज याद रखना। तो देखते हैं, क्रिएटर गॉड नॉट भगवान, कौन कौन से स्कूल थीस्टिक हैं जो बोल रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, योगा न्याय वैशेषिका वेदांता, ठीक है ना। दीज आर द फोर स्कूल ऑफ थॉट जो बिलीव करते हैं क्रिएटर गॉड एग्जिस्ट करता है। क्रिएटर गॉड एग्जिस्ट करता है क्या मतलब है, कि ये जो वर्ल्ड है जो आपके सामने है, दिस वर्ल्ड इज एक्चुअली क्रिएटेड बाय गॉड, देयर इज अ क्रिएटर गॉड बिहाइंड इट, ठीक है ना। नो वाले देखो कितने सारे हैं, चरवाका जैनिज्म बुद्धिज्म, भाई देखो ये तीनों तो वेदास को ही नहीं मान रहे, है ना, और ना ही ये गॉड को मान रहे, समझ में आया। अब ये तो ऐसे हैं सांख्य मीमांसा, है ना, जो कि वेदास को तो मान रहे हैं, है ना, लेकिन गॉड को ये नहीं मान रहे। और क्वेश्चन मैंने देखा यूपीएससी यहीं से पूछता है, दो बार पूछ चुका है कि इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ थॉट है जो वेदास को मान रहे हैं बट गॉड को नहीं मान रहा। याद करना है भाई, देखो और कुछ नहीं कर सकते, है ना। यस, दोबारा से रिवाइज कराते हैं, कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट है जो गॉड को मान रहे हैं। मैं कैसे याद रखता हूं, मैं आपको ये बताऊं, भाई देखो चरवाका जैनिज्म और बुद्धिज्म तो वेदास को नहीं मानते, वो आपको समझ भी आता है क्यों नहीं मानते। जैनिज्म बुद्धिज्म का कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको दिया, उनका सोशल कॉन्टेक्स्ट ही एंटी ब्राह्मणिकल था, इसलिए वो वेदास को बिलीव नहीं करते, है ना। चरवाका मेटीरियलिस्टिक स्कूल है, तो वो ये पूजा पाठ को मानता ही नहीं है,
तो वो वेदास को क्या मानेगा? तो चरवाका जैनिज्म एंड बुद्धिज्म मेक्स कॉमन सेंस टू यू कि ना वो वेदास को मानेंगे ना वो क्रिएटर गॉड को मान रहे हैं। नाउ देर आर दीज टू स्कूल ऑफ थॉट, सांख्य एंड मीमांसा, हु एक्चुअली बिलीव इन वेदास बट डू नॉट बिलीव इन गॉड। तो अब याद क्या करना है आपको, बस ये इन दोनों को याद रखो, इन दोनों को याद रखो कि सांख्य मीमांसा ऐसे हैं जो कि वेदास को मान रहे हैं बट गॉड को नहीं मान रहे। सिंपल। नाउ मूव अहेड, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। फोर पुरुषार्थ एक्सेप्टेड इन इंडियन फिलोसफी, ठीक है ना? तो कौन कौन से चार गोल इंडियन फिलोसफी में एक्सेप्ट करे गए हैं, है ना? देखिए देर आर, इनको पुरुषार्थ बोलते हैं। तो जो भी ओवरऑल इंडियन फिलोसफिकल थॉट है, सबने मिलके ह्यूमन बींग्स के लिए चार गोल रखे हैं। देर आर फोर गोल्स, फोर पुरुषार्थ इनको बोलते हैं, है ना? देखते हैं क्या क्या है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुना होगा आपने, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। क्या क्या मीनिंग है? धर्म का मतलब, धर्म का मतलब क्या है? फॉलो योर ड्यूटी, फॉलो योर एथिक्स, सिंपल है। तो ये आपके सामने गोल रखा गया है कि भाई आप अपने ड्यूटी फॉलो करो और अपने एथिक्स फॉलो करो, दिस इज योर फर्स्ट गोल, ठीक है ना? और क्या गोल हो सकता है? अर्थ, अर्थ मतलब माया, वेल्थ, ठीक है ना? तो आप गोल क्या हो सकता है, लाइक मेकिंग वेल्थ, दिस कुड बी योर गोल, है ना? अगला गोल क्या हो सकता है? काम, काम मतलब फिजिकल प्लेजर, है ना? आपको अलग अलग दिखेंगे ना लोग इस टाइप के गोल परस्यू करते हुए, कोई अपने ड्यूटी में लगा है ना, कोई वेल्थ कमाने में लगा है, कोई फिजिकल प्लेजर में लगा है, और लास्ट है एक मोक्ष, मोक्ष मतलब लिबरेशन, है ना? समझ में आता है? तो जितने भी रिफाइंड स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी है वो क्या गोल रखते हैं? मोक्ष। तो दीज आर द फोर पुरुषार्था, चार ही टाइप के गोल अलग अलग लोगों ने सजेस्ट करे हैं, है ना? आपको दिखेगा कि नॉर्मल लाइफ में भी कोई भी अगर आप गोल सीख करते हो जो कि आपको इंपॉर्टेंट लगता है, इन चारों में से किसी एक कैटेगरी में फॉल करेगा। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब समझ में आया? धर्म मतलब ड्यूटी, एथिक्स, अर्थ मतलब वेल्थ, काम मतलब फिजिकल प्लेजर, एंड मोक्ष मतलब लिबरेशन, है ना? आगे बढ़ते हैं। सो अब एक एक स्कूल को पकड़ते हैं और उसको कंप्लीटली इन डेप्थ देखते जाते हैं, जितना कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ठीक है ना? तो ऑल द मेजर कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गए होंगे। अब जितने भी स्कूल हैं उसको देखते जाते हैं। सबसे पहले चरवाका। देखिए मेरी कोशिश रहेगी कि जितने भी स्कूल ऑफ थॉट हैं एक बार आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग दूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये स्कूल ऑफ थॉट, आप डेफिनेटली आप अभी एग्जाम पे फोकस कर रहे हो, एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, बट दीज आर द ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लाइफ फॉर यू एज वेल। यही तो है ना स्कूल ऑफ थॉट, हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसका अपनी लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है कई बार वो हम नोटिस नहीं करते, है ना? और मुझे क्या लगता है, ये नोटिस करना वैसे भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट होता है, उसके साथ साथ आपकी ना पढ़ाई की क्वालिटी भी इंप्रूव होती है। आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हो अगर उसे अपने आप से रिलेट करोगे ना, तो कंटेंट आपको जो लगता है ना इतना कैसे रटेंगे, इतना कैसे रटेंगे, है ना, वो रटाई कम हो जाती है क्योंकि आपने चीज़ों को इंटरनलाइज किया, आपने फील किया है वो चीज़, है ना? तो उसी तरीके से हम इसे पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है? चरवाका भाई, देखो चरवाका सिंपल स्कूल ऑफ थॉट है कि रीबर्थ, लॉ ऑफ कर्मा, मोक्ष कुछ नहीं होता, जो है इसी वर्ल्ड में है, जो है मेटीरियलिज्म है, है ना? उनके हिसाब से एक ही पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, अर्थ, दो पुरुषार्थ इंपॉर्टेंट है, अर्थ एंड काम, गैदर द वेल्थ एंड हैव द फिजिकल प्लेजर इन योर लाइफ। चरवाका स्कूल ऑफ थॉट, समझ में आया? सिंपल स्कूल ऑफ थॉट है ना? किसने दिया? बृहस्पति इज द फाउंडर, ही इज द फाउंडर ऑफ द चरवाका स्कूल। मेटीरियलिस्टिक फिलोसफी है लाइफ की, ठीक है ना? और जो मोस्ट यूनिक फीचर है, आपको दिखेगा कि यूपीएससी इस टॉपिक में से जब क्वेश्चन पूछता है तो हर स्कूल ऑफ थॉट का जो यूनिक पॉइंट है ना उसको पकड़ के वो क्वेश्चन पूछता है। तो चरवाका का जो मोस्ट यूनिक पॉइंट है वो है परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। मतलब आपको लाइफ में जो भी राइट नॉलेज मिल रही है वो ओनली थ्रू डायरेक्ट परसेप्शन मिल रही है। अगर आपने किसी चीज को डायरेक्टली परसीव नहीं किया है ना, तो आपको उसकी सही नॉलेज नहीं हो सकती। बहुत रेडिकल थॉट है ये, मतलब अभी सुनने में बहुत इजी लग रहा होगा। इस पर एक मूवी बनी हुई है, अगर देखिए तो ठीक है, हो सकता है देखियो। एक संजय मिश्रा की मूवी थी आंखों देखी, आप जब उस मूवी को देखोगे ना तो आपको लगेगा क्या साइको हो गया आदमी। इट वॉज नथिंग बट चरवाकस फिलोसफी, है ना? वो भी ये पर्टिकुलर पॉइंट। उस मूवी में क्या दिखाया मैं आपको समझाता हूँ। संजय मिश्रा एक मिडिल क्लास मैन है, मतलब समवेयर इन हिज 40s,
और वो इसी फंडे पे आ जाता है कि जो मैंने लाइफ में नहीं देखा ना उसको मैं बिलीव नहीं करूंगा। उसी चीज पे पूरी मूवी है। मतलब समवेयर वो कहता है कि शेर दहाड़ता है, वो कहता है मैंने तो नहीं देखा तो मैं तो नहीं मानता, गेटिंग। तो अल्टीमेटली दिस इज वेरी रेडिकल थॉट कि परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। जो आपने डायरेक्टली नहीं देखा वो आप कैसे मान सकते हो, ठीक है ना। मुझे क्या लगता है इन दी पोस्ट ट्रूथ एरा, थोड़ा सा एनालिसिस देता रहूंगा आपको लेक्चर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। पोस्ट ट्रूथ एरा जो आजकल का एरा है, ब्रांडिंग का एरा, कोई भी सोशल मीडिया पे अपनी कोई कुछ भी इमेज बना देगा, है ना, उस टाइम पे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थॉट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए। यू शुड एटलीस्ट यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन जो आपने डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया है, ठीक है ना। कि कोई लीडर 3 घंटे सोता है, आपने देखा, मैंने देखा, ठीक है ना। तो ट्राई टू हैव दिस कॉमन सेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर परसेप्शन इज द ओनली सोर्स फॉर द राइट नॉलेज, तो देर इज नो लाइफ आफ्टर द डेथ, ना आपने देखी ना मैंने देखी, है ना। तो चरवाका डू नॉट बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ, तो रीबर्थ का भी कोई मतलब नहीं है। देर इज नो लॉ ऑफ कर्मा, किसने देखा, आपने कुछ किया, आपको कुछ एक्शन मिला, आपने कुछ उसके डीड्स मिले, उसके बीच के कनेक्शन को किसने देखा, ना आपने देखा ना मैंने देखा, इट जस्ट अ बिलीव, है ना। तो लॉ ऑफ कर्मा में भी बिलीव नहीं करेगा फिर चरवाका। सोल का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना आपने देखी ना मैंने देखी, है ना। तो देर इज नो सोल, ना ही कोई रीबर्थ। सिंपल है ना, लॉजिकल रिलेशन बन रहा है बातों के बीच में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। लिबरेशन ओनली मीन्स एंड ऑफ दिस लाइफ, तो चरवाका के लिए लिबरेशन का क्या मीनिंग है, एंड ऑफ दिस लाइफ, है ना। डेथ इज इक्विवेलेंट टू लिबरेशन एज पर चरवाका, समझ में आया। देन वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, गॉड को तो नहीं मानेगा ना चरवाका, गॉड वेदास कोई सब मतलब नहीं है इन सब बातों से, है ना। सुबह उठो मौज मस्ती करो, शाम को क्लब जाओ, ये चरवाका बोल रहा है, ठीक है ना। देर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ क्रिएशन, वर्ल्ड कैसे क्रिएट हुआ, चरवाका बिलीव एटॉमिक वर्ल्ड क्रिएशन, कि देर आर सर्टेन एटम्स जिसके थ्रू ये वर्ल्ड क्रिएट हो गया, है ना। काइंड ऑफ डार्विनियन थ्योरी हो गई कि देर इज नो गॉड बिहाइंड इट, है ना। तो 5 एलिमेंट ऑफ क्रिएशन कौन कौन से हैं, इन जनरल कौन कौन से होते हैं, है ना। फायर, आपने याद होगा ना बचपन में कार्टून देखते थे, अग्नि, जल, तो वो जो 5 एलिमेंट होते थे जो मिलके इस दुनिया को बनाते हैं, वही 5 जनरल एलिमेंट है, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर, है ना। अब इसमें ये बात याद रखना, चरवाका डू नॉट बिलीव इन ईथर। ईथर मतलब क्या होता है, एयर, स्पेस, ठीक है ना। तो याद रखना, इन जनरल देर आर 5 एलिमेंट ऑफ क्रिएशन, फायर, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर, चरवाका डू नॉट बिलीव इन ईथर। बस इसको याद रखो, डेप्थ में मत जाओ इसकी, सिंपल आएगा तो प्रिलिम्स में आएगा, है ना, कि इन 5 में से चरवाका किस में बिलीव नहीं करता, ईथर में बिलीव नहीं करता, ठीक है। इसके बाद ये मैंने आपको बताया जो 4 पुरुषार्थ थे, उन 4 पुरुषार्थ जो 4 आपके गोल्स बताए गए हैं, उसमें से कौन कौन से गोल में बिलीव करेगा, अर्थ, माया, काम मतलब फिजिकल प्लेजर, है ना। धर्म का भी कोई मतलब नहीं, मोक्ष का भी कोई मतलब नहीं, एज पर चरवाका, ठीक है ना। अब इसमें एक और की टर्म है, इसको लोकायात फिलॉसफी भी बोलते हैं। जो चरवाका स्कूल ऑफ थॉट है इसको लोकायात फिलॉसफी भी क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, ये आया हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम में एक्चुअली। लोकायात क्यों बोलते हैं, कि बिकॉज दिस इज द फिलॉसफी ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, आपकी और मेरे जैसे लोगों की फिलॉसफी है ये, ठीक है ना। तो इसलिए इसको लोकायात फिलॉसफी बोलते हैं, समझ में आया। आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो गया चरवाका, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा जब वो चरवाका अगर पूछेंगे तो। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट, जैनिज्म, देखते हैं जैनिज्म में क्या क्या है। फिलोसफिकल वाले, फिलोसफी वाले पार्ट पे हम फोकस करेंगे, है ना। देखिए, जैनिज्म इज ड्रिवन फ्रॉम द वर्ड जिना, जो रूट वर्ड है जिना, वहां से ओरिजिनेट हुआ है जैनिज्म। जिना का मीनिंग क्या होता है, जिना इज समबडी हु हैज कॉन्क्वर्ड हिज पैशंस, है ना। जिसकी कोई पैशन नहीं बची है, ना आईएएस बनने का मन बचा, ना लवासना जाने का मन बचा, कोई पैशन नहीं बची है, उसे बोलते हैं जिना, समझ में आया। जैनिज्म, जिना हु हैज कॉन्क्वर्ड हिज पैशंस, है ना। भगवान महावीर वॉज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म रिलीजन। देखिए भाई, आप जैनिज्म में देखोगे तो देर आर 24 तीर्थंकराज, 24 तीर्थंकर हैं, तो एक तरीके से दीज आर को फाउंडर्स, ठीक है ना। सबसे पहले तीर्थंकर है आदिनाथ, बट जो मोस्ट पॉपुलर अंडरस्टैंडिंग है उसके अकॉर्डिंग भगवान महावीर, जो कि 24th तीर्थंकर हैं, 24वें हैं, है ना, इनको हम मानते हैं कि ही इज द
फाउंडर ऑफ जैनिज्म, याद रखोगे। अब ये देखते हैं दीज टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये यूपीएससी भी पूछ चुका है ना। बिफोर वी अंडरस्टैंड दिस, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपको बताता हूं, आपको समझने में बहुत हेल्प होगा। फिलॉसफी की दो ब्रांचेस होती हैं, फिलॉसफी की दो ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांच का नाम है मेटाफिजिक्स, समझते जाओ याद होता जाएगा सिंपल तरीके से, और दूसरी ब्रांच का नाम है एपिस्टेमोलॉजी। मीनिंग क्या है इसका, मेटाफिजिक्स को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रियलिटी। तो मेटाफिजिक्स किस चीज के बारे में बात करेगा, रियलिटी क्या होती है, सच क्या है, रियल क्या है, क्या चीज रियल है क्या चीज अनरियल है, तो वो मेटाफिजिक्स के अंदर आएगा। समझ में आ रहा है, अभी कनेक्शन बिठाऊंगा मैं, अभी आप समझते जाओ, ठीक है ना। एपिस्टेमोलॉजी को क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ नॉलेज। थ्योरी ऑफ नॉलेज का क्या मीनिंग है कि इंसान को नॉलेज कैसे मिलती है, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट वेज वी कैन गेट द नॉलेज, राइट नॉलेज का तरीका क्या है, राइट नॉलेज होती क्या है। तो जितने भी नॉलेज रिलेटेड एक्सेप्ट नॉलेज रिलेटेड एस्पेक्ट होंगे वो एपिस्टेमोलॉजी में होते हैं, और जितने भी रियलिटी रिलेटेड एस्पेक्ट होंगे वो मेटाफिजिक्स में होते हैं। समझ में आया, दीज आर द टू ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी। अब ये पैटर्न आप कॉन्टिन्यूसली नोटिस करोगे कि जितने भी स्कूल ऑफ थॉट आप पढ़ोगे ना, ये स्कूल ऑफ थॉट दोनों चीजों की बात करते हैं, मेटाफिजिक्स की भी और एपिस्टेमोलॉजी की भी, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमने चरवाका पढ़ा, चरवाका ने क्या बोला, क्या रियल है, मैटर, मटेरियल थिंग्स आर रियल ओनली, यही बोला ना चरवाका ने। और आपको नॉलेज कैसे मिलेगी उस मटेरियल की, थ्रू परसेप्शन, ओनली थ्रू डायरेक्ट परसेप्शन यू कैन गेट द नॉलेज। समझ में आया। अब जैनिज्म में देखो, आप जैनिज्म में दो पॉपुलर कॉन्सेप्ट है ना जो आपने पढ़े होंगे, एक तो है अनेकांतवाद, अनेक अंतवाद, ब्रेक करो इसको, अनेक मतलब मैनी, अंत मतलब एंड, वाद मतलब थ्योरी, अनेक अंतवाद, ठीक है ना। और दूसरा थ्योरी होता है जैनिज्म में सयादवाद। अब ये जो दो थ्योरी हैं, ये इन्हीं दोनों चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया, आपको याद करने में हेल्प होगा। फिलॉसफी में लार्जली दो ही कॉन्सेप्ट आपको दिखेंगे, रियलिटी क्या है, है ना, और हमें राइट नॉलेज कैसे मिलेगी, है ना। तो रिगार्डिंग मेटाफिजिक्स की रियलिटी क्या है, जैनिज्म बोलता है अनेकंतवाद, मतलब जो रियलिटी है वो मल्टीफोल्ड है, आप और मैं जो रियलिटी देख रहे हैं वो पार्शियल रियलिटी है, कंप्लीट रियलिटी नहीं है। कोई भी रियलिटी, जो वर्ल्ड की रियलिटी है, किसी भी एस्पेक्ट की रियलिटी, वो इनफाइनाइट है, ठीक है ना। आपने जैसे इंटरस्टेलर अगर देखी हो, है ना, तो इंटरस्टेलर मूवी में वो दिखाते हैं ना कि लास्ट में वो एक इनफाइनाइट रियलिटी में चला गया, तो समवेयर अनेकांतवाद उसी टाइप का कॉन्सेप्ट है कि रियलिटी इज मल्टीफोल्ड, है ना, हर रियलिटी मल्टीफोल्ड है और हर रियलिटी के एस्पेक्ट भी मल्टीफोल्ड है, ठीक है ना, यहां तक समझ में आया। अब अगर रियलिटी मल्टीफोल्ड है तो हम उसे जानेंगे कैसे, यही है ना थ्योरी ऑफ नॉलेज, हम उसे जानेंगे कैसे, इसके बारे में क्या बोलते हैं जैनिज्म फिलॉसफी। जो और दो टाइप के लोग हैं, एक तो ऑर्डिनरी पीपल, आपके और मेरे जैसे, आईएएस बनना है, लबासना जाना है, ठीक है ना, जो ऑर्डिनरी पीपल है वो इस कंप्लीट रियलिटी को जान ही नहीं सकते। ऑर्डिनरी पीपल कैन नॉट नो द कंप्लीट रियलिटी, व्हाई, बिकॉज द रियलिटी इज मल्टीफोल्ड, अनेकांतवाद, है ना। तो अगर आपको कंप्लीट रियलिटी को जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मोक्ष, द वन हु हैज कॉन्क्वर्ड हिज ऑल पैशंस एंड बिकम अ जिना, दैट पर्सन कैन हैव द कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियलिटी, इजंट इट, मेक सेंस टू यू, राइट। तो अल्टीमेटली अब आपके मेरे जैसे जो ऑर्डिनरी लोग हैं उनको जो भी नॉलेज है, हम बोलते हैं कि एक्स वाई जेड सच ये है झूठ ये है, आपकी मेरी जो नॉलेज है वो नॉलेज पार्शियल हो गई, इजंट इट, कंप्लीट तो नहीं है, क्योंकि कंप्लीट नॉलेज तो लिबरेटेड इंडिविजुअल को ही मिलेगी, है ना। तो आपकी मेरी नॉलेज जो है वो पार्शियल हो गई, उस पार्शियल नॉलेज की थ्योरी को बोलते हैं सयादवाद, कि एवरी नॉलेज इज रिलेटिव, है ना, आपकी मेरी जो नॉलेज है वो रिलेटिव है, उसी को बोलते हैं सयादवाद। क्यों है रिलेटेड, क्योंकि हमें अभी मोक्ष ही नहीं मिला, हम पूरी रियलिटी को देख ही नहीं पा रहे,
समझ में आया? इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जैनिज्म में, स्टोरी ऑफ सिक्स ब्लाइंड पर्सन एंड वन एलिफेंट। तो सिंपल स्टोरी है कि आपने सिक्स ब्लाइंड पर्सन को एलिफेंट को टच करने को बोला और उनके बाद उनसे पूछा कि एलिफेंट को डिफाइन करो। दीज आर द ब्लाइंड पर्सन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दे आर टचिंग एन एलिफेंट, है ना। हर किसी को बोला कि अब आप एलिफेंट को डिफाइन करो, आपको कैसा लगता है एलिफेंट कैसा है। तो जिसने जिस बॉडी पार्ट को टच किया उसने वही एक्सप्लेनेशन दिया, है ना। अगर मान लो किसी ने एलिफेंट की बॉडी को टच किया, उसने बोला एलिफेंट इज लाइक अ वॉल, है ना। किसी ने मान लो एलिफेंट की जो टेल है उसे टच किया, उसने बोला एलिफेंट इज लाइक अ ब्रूम, है ना। किसी ने एलिफेंट की ट्रंक को टच किया तो उसने बोला एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक। तो एलिफेंट तो वही है, कोई भी गलत है इनमें से? नहीं, सब लोग सेम है, सब लोग सही बोल रहे हैं अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से। समझ में आया? तो इसको बोलते हैं स्यादवाद। और एक्चुअली मैं काफी बार इस चीज को बोलता भी हूं बिकॉज आई एम जैन ऑल्सो। मैं बोलता हूं कि टॉलरेंस बहुत होना चाहिए। दिस इज भगवान महावीर वॉज ट्राइंग टू प्रीच द टॉलरेशन। यार हर कोई अपने पर्सपेक्टिव से अगर कुछ बता रहा है तो वो अपने कॉन्टेक्स्ट में सही है, उसको समझने की कोशिश करो, ना कि बोलो नहीं नहीं तू गलत बोल रहा है मैं सही हूं। ठीक है, आगे बढ़े। स्यादवाद समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आई होप ये थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, ये मैं आपको क्लियर कर पाया हूं। अब ओनली एनलाइटेंड पर्सन कैन नो ऑल द रियालिटी। मैंने आपको बोला जिसे मोक्ष हो चुका है, एनलाइटेंड इंडिविजुअल है, उसे ही कंप्लीट रियालिटी पता लग सकती है ना। अब एक और यूनिक फीचर है जैनिज्म का, कॉन्शियसनेस इन एवरीथिंग। तो जैनिज्म बिलीव कि इन एवरीथिंग, इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, चाहे प्लांट हो, एंट हो, छोटी चींटी हो, एनीथिंग, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कॉन्शियसनेस है। भाई देखो, टिपिकली आप क्या मानते हो कि आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, बट मान लो यहां पे टेबल रखी है, उसके अंदर कोई प्लांट रखा है, उसके अंदर कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। यू आर द लिविंग बींग ओनली, राइट? ह्यूमन बींग्स आर। बट जैनिज्म क्या मानता है, एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस वर्ल्ड हैज द कॉन्शियसनेस। किसी में कम होगी, किसी में ज्यादा होगी, है ना। वो हायरार्की ड्रॉ की हुई है जैनिज्म में। भाई मान लो हम बात करें चींटी की, चींटी के अंदर कम कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर ज्यादा है। आपसे भी ज्यादा किस में है? एनलाइटन इंडिविजुअल में, लेकिन है सब में। तो एवरी एस्पेक्ट हैज सोल, एवरी एस्पेक्ट हैज कॉन्शियसनेस, याद रखोगे, यूनिक फीचर ऑफ जैनिज्म, है ना। अब इन सब चीजों में बिलीव करता है जैनिज्म, लॉ ऑफ कर्मा में मानेगा, मानेगा, है ना। रीबर्थ को भी मानेगा, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल को भी मानेगा, लिबरेशन को भी मानेगा, है ना, इन सारी चीजों को मानेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यहाँ पे ये देखो, एज पर जैनिज्म, अगर देखो आपको ये समझना है, देखो चरवाका में तो कोई लिबरेशन आया ही नहीं, लिबरेशन मीन्स डेथ। अब अगर आपको लिबरेशन का कॉन्सेप्ट समझना है तो आपको बॉन्डेज का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। भाई हर स्कूल ऑफ थॉट, मैंने आपको बोला था, लिबरेशन को अपने अपने नजरिए से डिफाइन करते हैं, है ना। अगर लिबरेशन को हमें समझना है तो पहले बॉन्डेज को समझो। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर हम सब लोग लिबरेशन की कोशिश कर रहे हैं तो राइट नाउ हमारा स्टेटस क्या है? वी ऑल आर इन बॉन्डेज। तो हम अपनी बॉन्डेज की स्टेट को समझते हैं एज पर ऑल द स्कूल ऑफ थॉट। जो बॉन्डेज की स्टेट होगी उसके विपरीत, उसके अपोजिट लिबरेशन की स्टेट होगी। सिंपल है ना। तो जैनिज्म में जो बॉन्डेज है उसका कॉज क्या है? बॉन्डेज का सिंपल मीनिंग क्या होता है कि यू आर ट्रैप्ड इन द साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ। आपका रीबर्थ रीबर्थ चल रहा है, आपको मोक्ष ही नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉज ऑफ बॉन्डेज, इट्स लाइक अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट चल रहे हैं, अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट चल रहे हैं और आप एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे, ठीक है ना, यू आर इन बॉन्डेज। तो वॉट इज द कॉज ऑफ बॉन्डेज एज पर जैनिज्म? जैनिज्म ये बोलता है कि जो एक्शंस आप कर रहे हो, जो कर्मा आप कर रहे हो, If those karmas are motivated by your passions and greed, कि मुझे ये मिल जाए, मैं पढ़ लेता हूं, मैं IAS बन जाऊं, है ना। तो if your actions are motivated by your passions and greed, it lead to the accumulation of your deeds. And till the point you have deeds, you will get the fruits because law of karma is always there. तो अगर आप कर्म कर रहे हो passion से driven होके, तो आपके डीड्स एक्यूमुलेट होंगे और आप इस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ में फंसे रहोगे। तो जैनिज्म क्या बोलेगा, कर्म करो बट पैशन से मोटिवेटेड होके नहीं, बिकॉज यू नीड टू बी जिना हु हैज कॉन्क्वर्ड ऑल हिज पैशंस, याद रखोगे, ठीक है। चलो, तो लिबरेशन का क्या मीनिंग है? लिबरेशन इज द हाइएस्ट एम
इन द जैनिज्म एज वेल, इट इज द एंड ऑफ साइकिल, ये जो लाइफ एंड डेथ की साइकिल है इसका एंड है ये। और वो एंड कैसे होगी, जब आपके डीड्स का एक्यूमुलेशन खत्म हो जाएगा। वो कैसे खत्म होगा, जब आप निष्काम कर्म करोगे एक तरीके से, कि यू आर डूइंग द एक्शन बट नो पैशन। ठीक है, डन। अब यहां पे कीवर्ड देखते हैं, जिसको मोक्ष हो गया, लिबरेशन मिल गया है, जैसे भगवान महावीर थे, है ना, तो उस मोक्ष में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। जब आपको मोक्ष मिल गया तो उसको बोलते हैं कैवल्या, याद रखोगे, जो आपकी स्टेज है लिबरेशन की उसको बोलते हैं कैवल्या इन जैनिज्म। अब हमने बोला था कि जिसको मोक्ष मिल गया, जिसको लिबरेशन मिल गया, उसको सारी नॉलेज हो जाएगी, ऑल द नॉलेज, अनेकांतवाद की नॉलेज हो जाएगी, याद है आपको। तो उस नॉलेज को क्या बोलेंगे, केवल ज्ञान, याद रखोगे, सिंपल आ सकता है ये। कैवल्य का क्या मीनिंग है, केवल ज्ञान का क्या मीनिंग है, कैवल्य मत, कैवल्य इज द स्टेट ऑफ लिबरेशन, जैसे बुद्धिज्म में निर्वाणा है ऐसे यहां पे कैवल्य है। ठीक है, केवल ज्ञान मतलब दैट नॉलेज ऑफ दिस रियालिटी। ठीक है, इसके बाद केवलिन, केवलिन कौन होते हैं, द वन हु इज अटेनिंग लिबरेशन इज केवलिन। तो भगवान महावीर वॉज केवलिन, जिस स्टेट में वो थे उसे बोलते हैं कैवल्या, जो उन्हें ज्ञान हुआ था उसे क्या बोलते हैं, केवल ज्ञान। सिंपल, आगे बढ़ते हैं, डन, लिबरेशन हो गया। अब पाथ टू लिबरेशन देखते हैं, है ना। तो पाथ टू लिबरेशन जैनिज्म में क्या क्या दिए हैं, कुछ तो रास्ता होगा ना, मतलब मान लो कि भगवान महावीर ने इतनी सारी थ्योरी दे दी, ये बोल दिया कि आप बॉन्डेज में हो, लिबरेशन का ये मीनिंग है, तो रास्ता तो बताना पड़ेगा लोगों को, वरना लोग फॉलो क्या करेंगे। ठीक है ना, तो देर आर थ्री ज्वेल्स पाथ टू लिबरेशन जो है जैनिज्म में, त्रिप्रत्ना नहीं है ये, ऑटो करेक्ट हो गया, त्रिरत्ना। ठीक है ना, तो ट्रिप पे जाके नहीं मिलेगा मोक्ष, ठीक है ना, त्रिरत्ना फॉलो करके मिलेगा। तो त्रिरत्ना कौन कौन से जैनिज्म के हैं, सबसे पहले राइट फेथ, फिर राइट नॉलेज एंड देन राइट कंडक्ट, है ना। ये तीन रत्न जैनिज्म ने दिए, सम्यक दर्शन, फेथ मतलब दर्शन, राइट नॉलेज, सम्यक ज्ञान, नॉलेज मतलब ज्ञान, राइट कंडक्ट, सम्यक चरिता, चरिता मतलब कंडक्ट आपका। सिंपल है ना। देखो इसको एक दो चीजें और बताता हूं मैं आपको, इसमें जो जैनिज्म ने त्रिरत्न अपने दिए, राइट फेथ नॉलेज कंडक्ट, इसके पीछे ना ऑर्डर है एक, ऐसे नहीं कि आप पहले राइट नॉलेज ले लोगे फिर फेथ आएगा, इट्स अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, है ना। जैसे भगवान महावीर क्या बोलते थे कि यार आप अगर किसी भी चीज को अचीव करना चाह रहे हो और किसी से आप कोई टीचिंग ले रहे हो, तो फर्स्ट यू नीड टू हैव राइट फेथ। जब तक आपको फेथ नहीं होगा ना, तब तक आप रिसेप्टिव ही नहीं होते नॉलेज के लिए। तो दिस इज द स्टेज विच मेक यू रिसेप्टिव टूवर्ड्स द नॉलेज विच अदर पर्सन इज प्रोवाइडिंग यू, समझ में आया। तो इसलिए सबसे पहले राइट फेथ आता है, फिर आता है राइट नॉलेज। भाई अब आप रिसेप्टिव हो गए, अब आपको नॉलेज मिलेगी, तो राइट नॉलेज आपको देगा दूसरा बंदा, ठीक है ना। अब आपको नॉलेज मिल गई, नॉलेज को रख के क्या करोगे जब तक उस पर एक्ट ही नहीं कर रहे, फिर आता है आपका राइट कंडक्ट। समझ में आया कि कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, राइट फेथ विच मेक यू रिसेप्टिव टूवर्ड्स द नॉलेज, देन राइट नॉलेज, उसके बाद राइट कंडक्ट, ठीक है ना, सम्यक चरिता, डन। अब ये जो राइट कंडक्ट है, इस राइट कंडक्ट में देर आर फाइव कंपोनेंट, क्या पांच कंपोनेंट है राइट कंडक्ट में, उसको बोलते हैं पंच महाव्रत, याद रखोगे। राइट कंडक्ट में क्या क्या राइट एक्शन है, पंच महाव्रत, कौन कौन से पांच एक्शन है ये देखते हैं। सत्य, सत्य समझ आ रहा है, ट्रुथ को फॉलो करो, अहिंसा, नॉन वायलेंस, ये सत्य और अहिंसा गांधी जी ने यहीं से अडॉप्ट किए थे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेयम, अस्तेयम का मतलब क्या होता है, नॉन स्टीलिंग, कुछ चुराओगे नहीं, ठीक है ना, आगे चलते हैं, तो करप्शन मत करना जाके। इसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह इज द मोस्ट डिफिकल्ट, अपरिग्रह क्या है कि यू वोंट बी ग्रीडी टूवर्ड्स द वर्ल्डली प्लेजर, अपरिग्रह मेरे हिसाब से सबसे मुश्किल है, ये तीनों तो आसान लगते हैं मुझे, ठीक है ना। ब्रह्मचार्य ऑब्वियसली यू नो द मीनिंग, सेलिबेसी, एंड ब्रह्मचार्य जो पांचवा पंच महाव्रत है, इट वॉज लेटर ऑन एडेड बाय द भगवान महावीर, तो पहले नहीं था ये, है ना। तो ब्रह्मचार्य पंच महाव्रत का पांचवा पार्ट है, विच इज लेटर ऑन एडेड बाय द भगवान महावीर, याद रखोगे ये, ठीक है ना, डन। तो ये हो गया जैनिज्म की फिलॉसफी, स्कूल ऑफ जैनिज्म।
स्कूल ऑफ जैनिज्म यूपीएससी ने अभी तक डेप्थ में पूछा नहीं है, है ना। देर आर टू स्कूल ऑफ जैनिज्म, श्वेतांबर एंड दिगंबर। एक लिंक मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, आप चाहो तो इस लिंक पे जाके चार पांच चीजें श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है ना। बट यूपीएससी ने इतना डेप्थ में पूछा नहीं है अभी तक, तो आई एम नॉट गोइंग टू कवर दिस, है ना। स्कूल ऑफ बुद्धिज्म हम कवर करेंगे, वहां से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, बट स्कूल ऑफ जैनिज्म की नीड नहीं है, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो अब कुछ तीन चार छोटे छोटे स्कूल ऑफ थॉट है, उसको देख लेते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है सांख्य स्कूल ऑफ थॉट। सांख्य स्कूल ऑफ थॉट, हु वाज द फाउंडर ऑफ सांख्य स्कूल ऑफ थॉट? कपिल मुनि। देखिए जो कोर फिलॉसफी है सांख्य स्कूल ऑफ थॉट की, इट इज डुअलिज्म। सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। सांख्य ये बोलते थे अपनी थ्योरी ऑफ रियलिटी में, जिसे मेटाफिजिक्स हमने अभी बोला था, कि इस वर्ल्ड में देर आर टू रियालिटीज, वन इज पुरुष, वन इज प्रकृति, वन इज मेटीरियल, अदर इज कॉन्शियस, है ना। आपने देखा, हम भी इन जनरल अगर हम कॉमन ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे तो हम भी यही बोल मानते हैं कि इस वर्ल्ड में दो टाइप की रियालिटी है, एक मेटीरियल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, इसंट इट। तो वही बेसिक फिलोसफी सांख्या की है, पुरुषा एंड प्रकृति, है ना। तो सांख्या ने ये बोला कि ये जो रियालिटी पुरुष एंड प्रकृति है, इसमें सांख्या ने जो प्रकृति है उसे मेटीरियल वर्ल्ड बोला है और जो पुरुषा है उसे कॉन्शियस वर्ल्ड बोला है। अब यहां पे एक सिंपल सी चीज सांख्य ये बोलते हैं कि बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति ये जो डिस्टिंक्शन है, ये कई बार पुरुषा ऑब्जर्व नहीं कर पाता। ऑब्जर्व कौन कर रहा है? कॉन्शियस बींग ही तो ऑब्जर्व कर रहा है ना। कॉन्शियस बींग ऑब्जर्व करता है मेटीरियल वर्ल्ड को, है ना। तो बट कई बार क्या होता है कि जो पुरुषा एस्पेक्ट है ह्यूमन रियालिटी का, जो कॉन्शियस एस्पेक्ट है, वो प्रकृति को अपने से अलग नहीं मान पाता। मेटीरियल वर्ल्ड में और कॉन्शियस वर्ल्ड में डिस्टिंक्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाता, है ना, है ना। एंड दैट लीड्स टू द बॉन्डेज इन ह्यूमन बींग, कि पुरुषा प्रकृति के साथ अटैच हो गया, ठीक है, समझ में आया, है ना। तो दैट इज द फिलोसफी ऑफ सांख्या। अब अगर बॉन्डेज का रीजन ये है कि पुरुषा इज अनेबल टू डिस्टिंग्विश इटसेल्फ फ्रॉम द प्रकृति, तो लिबरेशन कैसे होगा? थ्रू दिस डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज, जिसे बोलते हैं विवेक ज्ञान, दैट पुरुषा को रियलाइज हो गया कि आई एम नॉट प्रकृति, आई एम डिफरेंट, आई एम कॉन्शियस रियालिटी। समझ में आया, बस इतना सा आप समझ जाओ विद इन दी सांख्य स्कूल ऑफ थॉट, और ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, है ना। यहाँ पे सांख्य लॉ ऑफ कर्मा, रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, इन सबको मानेगा, लिबरेशन को भी मान रहा है, ऑफकोर्स गॉड नहीं है, याद है ना आपको। दो स्कूल ऑफ थॉट थे जो वेदास को मानते हैं पर गॉड को नहीं मानते, सांख्य एंड मीमांसा, याद है ना आपको। आगे बढ़े, अब देखो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट आया योगा। तो आपको याद होगा मैंने ऊपर आपको बोला था कि सांख्य एंड योगा, दीज टू आर एलाइड स्कूल। तो जो भी सांख्य ने अपनी मेटाफिजिक्स दी है उसको योगा भी मानता है, विद वन और टू चेंज, ठीक है ना। सांख्य फोकस करता है ज्ञान पे, रियलिटी पे, योगा फोकस करता है एक्शन पे, ठीक है ना। तो योगा, पतंजलि गेव द योगा स्कूल ऑफ थॉट। योगा का लिटरल मीनिंग क्या है? यूनियन, योग यूनियन, राइट। यो यूनियन किस चीज का? यूनियन दो तीन चीजों का बोला जाता है यहां पे, एक तो गॉड एंड ह्यूमन बींग का भी, यूनियन बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन, एंड ऑल्सो द यूनियन बिटवीन द लोअर एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल टू हाइयर एस्पेक्ट, ठीक है। यहां पे योग स्कूल ऑफ थॉट एक्सेप्टेड द सांख्यस थॉट, ये मैंने आपको बोला है ना कि एलाइड स्कूल है, तो सांख्या का जो भी थॉट था वो योगा ने भी एक्सेप्ट किया है, बट विद वन एक्सेप्शन, योग एक्सेप्टेड गॉड, याद रखना ये, सांख्या ने गॉड को एक्सेप्ट नहीं किया था, योग स्कूल ऑफ थॉट एक्सेप्टेड गॉड, क्रिएटर गॉड, ठीक है ना। अब पाथ टू लिबरेशन क्या है भाई? वो तो सांख्य स्कूल ये बोल के चला गया कि आपको विवेक ज्ञान चाहिए, डिस्क्रिमिनेटरी नॉलेज चाहिए बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति, मिलेगी कैसे ये भी तो बताओ। तो ये बता के गए योग स्कूल ऑफ थॉट कि पाथ टू लिबरेशन इज अष्टांग योग, सुना होगा आपने अष्टांग योग, है ना। तो ये देख लो, नाम पढ़ लो बस, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, आखिरी में होगा आपको विवेक ज्ञान जब आप समाधि में पहुंच जाओगे, ठीक है, समझ में आया। सिंपल सिंपल पॉइंट है न्याया। अब दो स्कूल ऑफ थॉट है, न्याया और वैशेषिका, जो कि एलाइट स्कूल है। यहां से यूपीएससी ने अभी तक क्वेश्चन कोई पूछा नहीं है, है ना। तो इसको थोड़ा डेप्थ इसमें कम कर देंगे हम,
तो न्याय स्कूल ऑफ थॉट क्या है, इट वॉज फाउंडेड बाय गौतमा। कुछ है भी नहीं इसके अंदर ऐसा ना बहुत टेक्निकल एस्पेक्ट जिसमें कि आपको लगेगी यहां से यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है ना। फाउंडेड बाय गौतमा। अब जो मोस्ट कॉमन थिंकिंग है न्याय की वो फोकस करती है लॉजिकल थिंकिंग पे। जो मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट है न्याय स्कूल ऑफ थॉट का वो यही है कि इट फोकस ऑन लॉजिकल थिंकिंग, ठीक है ना। और इन्होंने दिया एटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन, है ना, ये देखना। तो जो फिजिक्स में एटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन एक्सेप्ट की जाती है वो न्याय स्कूल ऑफ थॉट ने भी एक्सेप्ट किया है ना। लेकिन इसके बाद भी दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड गॉड, है ना। तो इनका क्या मानना था न्याय का बता दो, ये इनकंसिस्टेंसी कैसे रिजॉल्व करी इन्होंने। भाई फिजिक्स मानता है देर आर एटम्स और उनके कॉम्बिनेशन से वर्ल्ड बन गया, ये कह रहे हैं। हाँ हम भी मान रहे हैं इस बात को कि एटम्स थे अलग अलग, फायर वाटर ये सब, ये सारे एटम्स थे। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके बीच का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट के लिए गॉड रिस्पॉन्सिबल है। समझ में आया कि डिस्पाइट एक्सेप्टिंग एटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन दे हैव एक्सेप्टेड गॉड। उन्होंने बोला कि एटम्स के बीच का जो मोशन है वो गॉड कॉज कर रहे हैं, याद रखोगे, ठीक है ना। तो गॉड, वेदास, लॉ ऑफ कर्मा, रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, एवरीथिंग एक्सेप्टेड बाय न्याय स्कूल ऑफ थॉट, है ना। इसी का अलाइड स्कूल है वैशेषिका स्कूल, है ना। वैशेषिका स्कूल क्या बोलता है, फाउंडर कौन है इसके, कनाद, याद रखना। दे हैव एक्सेप्टेड न्याय थॉट, जो भी न्याय ने बोला वो वैशेषिका ने भी एक्सेप्ट किया। अलाइड स्कूल है जितने भी एस्पेक्ट है, गॉड, वेदास, लॉ ऑफ कर्मा, यस टू ऑल, एंड दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड एटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ क्रिएशन। समझ में आया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, दैट इज नॉट रेलिवेंट फॉर योर जीएस प्रीलिम्स, है ना। वो फिलोसफी ऑप्शन वालों को पढ़ने दो, ठीक है, डन। आगे चलते हैं, ये छोटे छोटे स्कूल ऑफ थॉट है, इनको अभी तक यूपीएससी ने डेप्थ में पूछा नहीं है। अब अगले स्कूल ऑफ थॉट है मीमांसा एंड वेदांता। मीमांसा स्कूल ऑफ थॉट, दे हैव एक्सेप्टेड वेदास बट दे हैव नॉट एक्सेप्टेड गॉड, याद रखोगे। हमने दो पहले आपको याद कराया था मैंने, सांख्या एंड मीमांसा, एक्सेप्टेड वेदास नॉट एक्सेप्टेड गॉड, ठीक है, ये याद रखना। अब मीमांसा में क्या है कि वेदास को वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। देखिए वेदांता और मीमांसा दीज आर द अलाइड स्कूल, ये लोग वेदास पे ही बेस्ड है। फर्क क्या है, मीमांसा फोकस्ड ऑन अर्लियर पार्ट ऑफ वेदास, वेदास के कुछ अर्लियर पार्ट हैं जो कि रिचुअल्स पे फोकस करते हैं। आपको याद है ना अर्ली वेदिक एज जो कि रिचुअल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करती थी, है ना। तो वो मीमांसा फिलोसफी ही है। तो दे फोकस्ड ऑन अर्लियर पार्ट ऑफ वेदास, दैट इज रिचुअल। तो दे यूज टू बिलीव कि आप रिचुअल्स करो, रिचुअल्स आर योर डीड्स एंड एज पर योर डीड्स यू विल गेट द फ्रूट्स, है ना। जो इंडिया में रिचुअल्स इतने पॉपुलर है वो इसी फिलॉसफी की वजह से पॉपुलर है कि अगर आपने ये यज्ञ कर लिया तो आप आईएएस बन जाओगे, करवा रहे होंगे ना आपके घर वाले भी, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं कर्म मार्ग। कर्म, क्या कर्म करना है, रिचुअल, है ना। तो देयर पाथ टू लिबरेशन इज कर्म मार्ग, है ना। आप एक चीज यहां पे पैरेलल डिस्कशन है, ध्यान से सुनना। देयर आर थ्री मार्ग, मोक्ष के तीन मार्ग हैं, है ना। एक है आपका कर्म मार्ग, मतलब थ्रू योर एक्शन यू कैन गेन लिबरेशन, है ना। जैसे यहां पे एक्शन क्या है आपके, रिचुअल्स फॉलो करना। दूसरा क्या मार्ग है, ज्ञान मार्ग, सुना होगा आपने। ज्ञान मार्ग का क्या मतलब है, थ्रू द राइट नॉलेज, एक्शन वैक्शन की मैटर नहीं है, अगर आपको राइट नॉलेज हो गई तो आपको मोक्ष हो जाएगा, जो कि वेदांता फिलॉसफी में आपको दिखेगा। तीसरा क्या रास्ता है, भक्ति मार्ग, भक्ति मतलब डिवोशन, थ्रू द डिवोशन बाय सबमर्जिंग योर सेल्फ इन टू द हाइयर रियालिटी यू विल गेट द मोक्ष, पढ़ा है ना, भक्ति मार्ग तो आपने सुना होगा, है ना। अब ये तीनों चीजें ह्यूमन कॉन्शियसनेस के तीन एस्पेक्ट को केटर करते हैं। ध्यान से सुनते जाओ, आराम से सुनते जाओगे, सब समझ आता जाएगा एक ही बार में। ये जो तीनों एस्पेक्ट हैं ये ह्यूमन कॉन्शियसनेस के तीन एस्पेक्ट को कैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल भक्ति मार्ग किस चीज को फोकस करता है, आपके इमोशंस को। एज अ ह्यूमन आपके तीन एस्पेक्ट हैं, एक इमोशंस, है ना, एक एक्शन और एक माइंड, तीन एस्पेक्ट हैं आपके। तो भक्ति मार्ग इज बेस्ड ऑन इमोशन, राइट, और ज्ञान मार्ग इज बेस्ड ऑन योर माइंड नॉलेज, ठीक है ना, और कर्म मार्ग इज बेस्ड ऑन योर एक्शन। समझ में आया ना। तो ऐसे तरीके से जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस के तीन एस्पेक्ट हैं उसी के अकॉर्डिंग तीन रास्ते बताए गए हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग। तो मीमांसा बिलीव्ड इन
कर्म मार्ग, समझ में आया, परफॉर्म रिचुअल्स एंड गेट लिबरेशन, डन। मीमांसा पूरा हुआ, आगे चलते हैं वेदांता। ये थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा, इस पर यूपीएससी 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वेदांता फिलॉसफी क्या है, नाम से पता लग रहा है वेद अंत, जो वेदास के एंड पे फोकस करती है, एंड ऑफ वेदास। वेदास का एंड क्या है, उपनिषद, याद रखोगे उपनिषद विच आर द फिलोसफिकल पार्ट ऑफ वेदास। तो मीमांसा किस चीज को मानता था, रिचुअल पार्ट को, और वेदांता किस पार्ट पे फोकस कर रहा है, वेदास के फिलोसफिकल पार्ट को, उपनिषद को, याद रखोगे। तो अब इसके भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट हैं, ये जो वेदांता स्कूल ऑफ थॉट है इसके बहुत सारे सब स्कूल हैं, है ना। एक्चुअली देयर वाज अ पर्सन बद्रायन इन द 2nd century BC, ही रोट ब्रह्मसूत्रा, ध्यान से सुन लेना, देयर वाज अ पर्सन नेम बद्रायन हु रोट ब्रह्मसूत्रा इन 2nd century BC। इनके डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन, इस ब्रह्मसूत्रा के ही डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन आर डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ वेदांता फिलॉसफी, ठीक है, याद रखोगे। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा इस पॉइंटर पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, कि ब्रह्मसूत्रा की डिफरेंट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन विच वॉज रिटन बाय बद्रायन इन 2nd century BC इज द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट विद इन वेदांता स्कूल ऑफ थॉट, है ना। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट है, देर आर मल्टीपल स्कूल ऑफ थॉट विद इन वेदांता, बट देर आर 3 major जो हमें कवर करने हैं, है ना। कौन कौन से 3 major स्कूल हैं, देखते हैं, 3 major स्कूल ऑफ थॉट विद इन दी वेदांता स्कूल ऑफ थॉट। सबसे पहला है, बेसिक समझ के देखेंगे आराम से, अद्वैतवाद ऑफ शंकराचार्य, ये यूपीएससी पूछ चुका है, अद्वैतवाद ऑफ शंकराचार्य। देखो भाई, इसको वर्ड को ब्रेक करते हैं, द्वैत, द्वैत का मतलब डुअलिज्म, द्वैत डुअलिज्म, ठीक है ना, वाद का मतलब थ्योरी, अद्वैत का क्या मतलब है, नॉन डुअलिज्म, है ना। अगर द्वैतवाद होता तो क्या मीनिंग होता, डुअलिज्म, अद्वैत मतलब नॉन डुअलिज्म, ठीक है, याद रखोगे। तो दिस इज थ्योरी ऑफ नॉन डुअलिज्म गिवन बाय शंकराचार्य, याद रखोगे। अब किन चीज में नॉन डुअलिज्म की बात हो रही है भाई, देखो आप इसे रटने की कोशिश कर रहे हो, मैं आपको कह रहा हूं फिर समझने पे फोकस करो। सांख्य ने क्या बोला था, सांख्य ने क्या बोला था, दो डुअलिज्म दिया था, सांख्य वाज डुअलिस्टिक एक्चुअली, सांख्य के ऊपर ही शंकराचार्य ने अपना काम स्टार्ट किया था। सांख्य ने बोला कि डुअलिज्म है, पुरुष है, प्राकृति है, मेटीरियल वर्ल्ड है, कॉन्शियस वर्ल्ड है। शंकराचार्य ने कह रहा कोई डुअलिज्म नहीं है, नॉन डुअलिज्म है। शंकराचार्य क्या बोलते हैं, ये जो वर्ल्ड है, जो मेटीरियल वर्ल्ड है जिसे आप प्रकृति बोल रहे हो, वो रियल नहीं है, वो मिथ्या है। समझ में आया मतलब आपको नॉन डुअलिज्म का, तो अल्टीमेटली ऑल द रियलिटी इज ब्रह्म, वन रियलिटी, दो नहीं है रियलिटी, ठीक है। इसमें एक सिंपल सा श्लोक यूज होता था जो मैं अपने पहले भी याद करा करता था, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा, मतलब क्या है, ब्रह्म इज द ओनली रियलिटी, ब्रह्म सत्यम द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसे बोलते हैं, वो ही ओनली रियलिटी है वर्ल्ड में, ठीक है ना। और ब्रह्म के कोई सेपरेट एट्रीब्यूट भी नहीं है, मतलब ब्रह्म के अंदर कोई डिवीजन भी नहीं है, इसके कोई सब पार्ट नहीं है, बस वही एक रियलिटी है, नॉन डुअलिज्म, ठीक है। तो अब यहां पे पार्ट टू लिबरेशन क्या होगा, जो शंकराचार्य ने दिया, अगर इस नॉन डुअलिज्म की आपको नॉलेज हो गई, है ना, अगर आपको इस नॉन डुअलिज्म की नॉलेज हो गई, मतलब ज्ञान मार्ग, तो यू विल बी लिबरेटेड। जो आपने सुना ना अहम ब्रह्मास्मी, सुना ना अहम ब्रह्मास्मी, मैं ही ब्रह्म हूं, है ना। अभी आपने ओपनहाइमर मूवी शायद देखी, उसमें भी यही यूज होता है, आई बिकम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो मैं ही ब्रह्म हूं, आपको ये नॉलेज जिस दिन हो जाएगी, ये ज्ञान हो जाएगा कि ये जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है यही रियलिटी है, और आप उससे अलग नहीं हो, यू आर द पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, ठीक है। तो ब्रह्म रियलाइजेशन जिस दिन हो गया ज्ञान मार्ग के थ्रू, उस दिन आपको मोक्ष मिल जाएगा। आई होप आई वॉज एबल टू मेक यू क्लियर अबाउट द बेसिक्स ऑफ दिस फिलॉसफी, है ना। अगला स्कूल ऑफ थॉट देखते हैं विद इन वेदांता, विशिष्ट अद्वैत, नाम से ही तभी याद होगा, वरना आप पेपर में कंफ्यूज रहोगे। वाद मतलब थ्योरी, द्वैत मतलब डुअल, अद्वैतवाद मतलब नॉन डुअलिज्म, और आगे क्या लिखा है, विशिष्ट। विशिष्ट का मतलब क्या होता है, क्वालिफाइड, मतलब नॉन डुअलिज्म तो है
रियलिटी तो एक ही है ब्रह्म, लेकिन वो क्वालिफाइड है, क्वालिफाइड बाय इट्स टू सब पार्ट, एक मेटीरियल है और एक कॉन्शियस है। समझ में आया डिफरेंस क्या है द्वैतवाद और विशिष्ट अद्वैत में? अद्वैत क्या बोल रहा था, ब्रह्म ही रियलिटी है और उसके कोई पार्ट भी नहीं है, और विशिष्ट अद्वैत क्या बोल रहा है, ब्रह्म रियलिटी है, नॉन डुअलिज्म है बट विशिष्ट है, क्वालिफाइड है, मतलब ब्रह्म के दो पार्ट हैं, एक मेटीरियल पार्ट और एक कॉन्शियस पार्ट। याद रखोगे ये किसने दिया था, रामानुजा ने, क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म। सिंपल समझ में आया, ब्रह्म हैज एट्रीब्यूट मेटीरियल एंड कॉन्शियसनेस, और जो पाथ टू लिबरेशन है वो है भक्ति मार्ग। तो रामानुजा ने भक्ति मार्ग दिया, याद रखना डिवोशन टू गॉड, ठीक है ना। तीसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसको बोलते हैं द्वैतवाद। ये तो समझ में आ रहा है, द्वैत दो, रियलिटी दो है, जैसे कि सांख्य बोल रहा था है ना, माधवचार्य ने ये दिया था, देर आर टू रियलिटी, सेपरेट दो रियलिटी है, एक कॉन्शियस रियलिटी और एक मेटीरियल रियलिटी। समझ में आया, आगे बढ़े, बस इतना याद रखो, बाकी बहुत है। अब आया हमारा लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है ना, लास्ट फिलोसफी हमारी आ गई, माय फेवरेट वन, बुद्धिज्म, ठीक है। अब इसको समझ के देखते हैं है ना, तो उन्हीं कीवर्ड्स को देखेंगे जिन कीवर्ड्स से यूपीएससी बार बार क्वेश्चन उठा रहा है। सबसे पहले कुछ प्लेसेस देख लो गौतम बुद्ध से रिलेटेड, लुम्बिनी वेर ही वॉज बॉर्न, बोधगया वेर ही गॉट लिबरेशन, जिसे हम निर्वाणा बोलते हैं, फिर उसके बाद सारनाथ, जहां पे कि पहला सरमन आफ्टर अटेनिंग द निर्वाणा, पहला सरमन जहां पे बुद्धिज्म ने, गौतम बुद्ध ने दिया, सारनाथ, कुशीनगर, कुशीनगर इज द प्लेस जहां पे कि गौतम बुद्ध एक्चुअली अटेन महापरिनिर्वाणा, या जिसे हम ह्यूमन कॉमन लैंग्वेज में डेथ बोलते हैं, है ना। तो कुशीनगर, तो क्या हो गया, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ठीक है। अब लॉ ऑफ कर्मा को मानते थे गौतम बुद्धा, यस, तो गौतम बुद्धा बिलीव्ड इन लॉ ऑफ कर्मा, है ना। अब देखो इसको, अगर बुद्धिज्म को और थोड़ा समझना है, 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे, बट करते हैं अच्छे से। गौतम बुद्धा जब किंग थे तो ही वेंट आउट ऑफ हिज होम वन डे, और उन्होंने चार लोगों को देखा, एक तो ओल्ड पर्सन, सिक पर्सन, पुअर पर्सन एंड वन सेंट, है ना। व्हाट ही सॉ वाज कि यार ओल्ड पर्सन भी दुखी है अपने ओल्ड एज से, सिक पर्सन भी दुखी है अपनी बीमारी से, पुअर पर्सन भी दुखी है बिकॉज बेसिक नीड्स को मीट नहीं कर पा रहा, और जो सेंट है वो फिर भी खुश है। तो गौतम बुद्ध को वहां से रियलाइजेशन हुआ यार कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे किंग बनने के बाद मैं बहुत खुश हो गया, आई एम किंग बट स्टिल देर आर लॉट ऑफ सफरिंग इन माई लाइफ, मेंटल सफरिंग तो है ही। तो आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस ही गेव 4 noble truths, वेरी सिंपलिस्टिक एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ह्यूमन रियालिटी, देर आर 4 noble truths, देर इज सफरिंग, सफरिंग है, इट इज द रियालिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। जब तक आपको लिबरेशन नहीं मिल रहा है ना, यू विल बी सफरिंग, है ना। आपको लग रहा है कि आप आईएएस बन जाओगे फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली, होगी, बिकॉज इट इज द फैक्ट ऑफ दिस ह्यूमन एग्जिस्टेंस, देर इज सफरिंग, ठीक है ना, देर इज कॉज ऑफ सफरिंग, मतलब सफरिंग, इफ समथिंग इज एग्जिस्टिंग इट मस्ट हैव अ कॉज। ये गौतम बुद्ध की बेसिक फिलोसफी थी जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, प्रतित्य समुत्पाद, कि एवरीथिंग हैज अ कॉज, तो अगर सफरिंग भी है उसका भी कॉज होगा, ठीक है ना, देर इज एंड ऑफ सफरिंग। भाई किसी चीज का अगर कॉज है और उस कॉज का इंपैक्ट एक प्रोडक्ट है, और अगर आप उस प्रोडक्ट को खत्म करना चाहते हो तो कॉज को हटा दो, सिंपल है ना, देर इज एंड टू सफरिंग। आप कॉज ढूंढो क्या है सफरिंग का, उसको खत्म करो, सफरिंग खत्म, ठीक है ना। क्या है वो कॉज एज पर बुद्धिज्म, डिजायर, योर पैशन, इच्छाएं, ठीक है ना। देर इज पाथ टू एंड ऑफ सफरिंग। फोर्थ नोबल ट्रूथ क्या है, ये रास्ता भी है जिसके थ्रू आप इस सफरिंग को एंड कर सकते हैं, है ना, जो गौतम बुद्ध ने रास्ता दिया था, है ना, जिसे हम बोलते हैं मिडिल पाथ, मध्यम मार्ग, है ना। आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जो पाथ टू लिबरेशन है उसे मिडिल पाथ क्यों बोला जाता है, मध्यम मार्ग, है ना। जब गौतम बुद्ध उस जर्नी पे निकले अपने पैलेस को छोड़ के, ही वॉज सर्चिंग फॉर द आंसर्स। इतना ईजी नहीं है ये फिलोसफी और रिलीजन वाली चीजों में अपने आप को मैनेज करना, कि यार ही वॉज सर्चिंग फॉर सम आंसर्स, की अगर मेरे को मोक्ष चाहिए, लिबरेशन चाहिए, रियलिटी जाननी है तो क्या रास्ता मैं लूं। तो गौतम बुद्ध ट्राइड सो मेनी थिंग्स,
आप जो उनका 7 या 8 साल का वो पीरियड बोलते हैं जिसमें कि ही वॉज एक्सपेरिमेंटिंग अलॉट, तो उसमें ही ट्राइड ईच एंड एवरीथिंग, है ना। टू एक्सट्रीम्स, है ना। एक एक्सट्रीम था चरवाका, चरवाका तो की लाइफ तो वो जी के आ ही रहे थे अपने पैलेस में मेटीरियलिज्म की। दूसरा एक्सट्रीम उन्होंने देखा जैनिज्म का। जैनिज्म भी एक एक्सट्रीम है। क्या एक्सट्रीम है? जैनिज्म फिलॉसफी जो उस टाइम पे पॉपुलर थी वो थी सेल्फ एक्सेटिज्म, मतलब आप अपने आप को बेसिक चीजें भी डिनाई करोगे। आपने सुना होगा ना जैनिज्म में खाना नहीं खाना, है ना। तो वो एक एक्सट्रीम पाथ पे भी गौतम बुद्ध आ गए, एंड देन ही रियलाइज्ड कि यार एक्सट्रीम्स में कुछ नहीं होने वाला, है ना। एक्सट्रीम नहीं चल सकते, बीच में चलना पड़ेगा। तो वहां से इनका मिडिल पाथ और मध्यम मार्ग आया जिसे बोलते हैं अष्टांगिका मार्ग। देर आर 8 स्टेप्स जो गौतम बुद्ध ने दिए, जैसे योगा में अष्टांग योगा था, यहाँ पे अष्टांगिका मार्ग है। याद रखोगे, अष्टांगिका मार्ग भी याद करा सकता हूं मैं आपको। मैं अपने तैयारी के टाइम पे कोड बनाया हुआ था मैंने, फॉर सेल टेक केयर, फॉर सेल टेक केयर, ठीक है ना। अब याद कर लो इसे। एफ का मतलब राइट फेथ, है ना। बाकी आप वर्ड इंग्लिश मीनिंग तो आप समझ ही जाओगे। आर का मतलब राइट रिजॉल्व, मतलब आपने एक निश्चय कर लिया कि हाँ आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करोगे, राइट रिजॉल्व, ठीक है ना। इसके बाद एस का मतलब राइट स्पीच, पता लग रहा है, राइट एक्शन। ए का मतलब एक्शन। एल का मतलब राइट लाइवलीहुड, दैट यू विल अर्न योर लाइवलीहुड थ्रू ऑनेस्ट मीन्स, ठीक है ना। ई का मतलब राइट एफर्ट। पी का मतलब राइट थॉट। सी का मतलब राइट कॉन्सेंट्रेशन। याद रखोगे फॉर सेल टेक केयर, बस नाम याद कर लो, बहुत है इतना, और ज्यादा डेप्थ में मत जाओ, है ना। अब सफरिंग का रूट कॉज गौतम बुद्ध ने बोला इग्नोरेंस है। आपकी जो डिजायर्स हैं वो क्यों है आपके पास? क्योंकि देर इज एन इग्नोरेंस। इग्नोरेंस रिगार्डिंग वॉट? इग्नोरेंस रिगार्डिंग द रियालिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। एंड द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड क्या बोलती है? रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड इज कि एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन समथिंग एल्स, है ना। अगर आप लेट से सॉरी आप लेट से कि आप कभी लाइफ में बहुत खुश हो, आपको ये लगेगा कि यार लाइक मजा आ रहा है आजकल, तो लाइफ जीने में बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो वो किसी चीज पे डिपेंडेंट है। और जिस दिन वो कॉज हट गया आपको दिखेगा कि यू आर सैड। तो रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड इज कि एवरीथिंग इज मोमेंट्री, है ना। कुछ भी परमानेंट नहीं है, नीदर योर पेन नॉर योर हैप्पीनेस। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड। वी डू नॉट अंडरस्टैंड दिस रियलिटी, दैट्स व्हाई वी आर इन इग्नोरेंस, दैट्स व्हाई वी आर इन बॉन्डेज एंड वी आर सफरिंग, है ना। तो गौतम बुद्ध क्या बोलते हैं? एवरीथिंग इज कॉज्ड बाय समथिंग एल्स, एवरीथिंग इज कॉज्ड बाय समथिंग एल्स। इफ देयर इज इफेक्ट देन देयर मस्ट बी अ कॉज। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन या फिर प्रत्यय समुत्पाद। याद रखोगे अगर हर चीज का कॉज है तो एवरीथिंग इज मोमेंट्री। हर चीज किसी मोमेंट में एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद उसका कॉज होगा तभी वो एग्जिस्ट करेगी, वरना नहीं करेगी। इसको बोलते हैं क्षणिकवाद। क्षणिक, एक क्षण के लिए हर चीज एग्जिस्ट कर रही है, एवरीथिंग इज मोमेंट्री। याद रखोगे अब अगर हर चीज मोमेंट्री है तो क्या सोल मोमेंट्री है? सोल, हम तो बोलते हैं ना सोल इज समथिंग विच इज परमानेंट, है ना। तो दिस इज वेयर गौतम बुद्ध डिफर, है ना। अगर इफ एवरीथिंग इज मोमेंट्री देर इज नो परमानेंट सोल। एज पर गौतम बुद्ध देर इज नो परमानेंट सोल, है ना। दिस इज द यूनिक फीचर ऑफ बुद्धिज्म। इसको बोलते हैं नैरात्म्यवाद। नैरात्म्यवाद याद रखोगे, ठीक है ना। अगर सोल नहीं है तो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल भी नहीं है। जब सोल ही नहीं है परमानेंट तो ट्रांसमाइग्रेशन कहां से होगा सोल का? अब बताओ कि रीबर्थ कैसे एक्सेप्ट करे फिर गॉड बुद्धिज्म? यहीं पे मैंने आपको बोला था एक एक्सेप्शन है, याद है ना आपको, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि सोल नहीं है बट ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है। सॉरी, नो परमानेंट सोल ऑल्सो, देर इज नो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल बट देर इज रीबर्थ। तो ये एक्सप्लेनेशन बुद्धिज्म ने कैसे दिया कि रीबर्थ कैसे हो रही है फिर अगर कोई ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल नहीं है? तो गौतम बुद्ध ने ये एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। उन्होंने बोला एक कैंडल या ऑयल लैंप होता है, ऑयल लैंप आपने देखा है, उसकी जो फ्लेम है वो लगातार आपको जलती हुई दिखती है, इसन्ट इट? आपको दिखता है वो लगातार जल रही है जब तक उसके अंदर ऑयल है। तो आपको क्या दिख रहा है कि वो फ्लेम परमानेंट है, इसन्ट इट? आपको अपियर ऐसा हो रहा है बट एक्चुअली अगर आप उसकी डेप्थ में जाओगे तो आपको ये लगेगा कि
फ्लेम एक मोमेंट के लिए एग्जिस्ट करती है, नीचे से ऑयल आता है और जो पहले वाली फ्लेम है वो उस ऑयल को बर्न कर देती है, और उसके बाद हर सेकेंड मोमेंट में दूसरी फ्लेम आ जाती है। रियलिटी में तो यही हो रहा है ना कि वो फ्लेम कॉन्टिन्यूसली एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक मोमेंट पे एक फ्लेम आती है वो अगले ऑयल को बर्न करके अगली फ्लेम देके जाती है, बट उसके बीच में टाइम गैप इतना स्मॉल है कि हम ह्यूमन बींग ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो देर इज परमानेंसी, परमानेंसी तो है विदाउट द कॉन्टिन्यूटी, समझ में आया है ना। तो बिना परमानेंट सोल के रीबर्थ पॉसिबल है थ्रू दिस काइंड ऑफ इफेक्ट, है ना, कि जो आपकी पहली लाइफ है वो दूसरी लाइफ को कॉज कर रही है। ठीक है, ये बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। लिबरेशन, लिबरेशन मतलब एंड ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस खत्म हो जाएगी, बॉन्डेज खत्म हो जाएगी एंड आपको रियल नॉलेज मिल जाएगी। एवरीथिंग इज मोमेंट्री, तो रियल नॉलेज क्या है कि एवरीथिंग इज मोमेंट्री, क्षणिकवाद। ठीक है, सिंपल। इस स्टेट को क्या बोलेंगे? निर्वाणा। जैसे जैनिज्म में कैवल्य था, यहां पे है निर्वाणा। ठीक है ना, निर्वाणा का क्या मीनिंग है? एंड ऑफ पैशन, है ना। स्टिल आप एग्जिस्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपकी पैशन खत्म हो गई तो आपकी ह्यूमन एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, है ना। जब गौतम बुद्ध को बोध गया में निर्वाणा मिला, ही वॉज स्टिल एग्जिस्टिंग एज अ ह्यूमन, राइट, है ना। बट आपकी जो एक्शंस हैं वो इग्नोरेंस से ड्रिवन नहीं होंगे उसके बाद, तो इसलिए आपकी डीड्स एक्यूमुलेट नहीं होंगी और आपका रिवर्थ नहीं होने वाला, समझ में आया। तो इवन आफ्टर निर्वाणा यू एग्जिस्ट। चलो डन, आगे चलते हैं। स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है ना, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर। ऑल राइट, तो देखिए जो स्कूल ऑफ बुद्धिज्म है, किस बेसिस पे डिवीजन है स्कूल ऑफ बुद्धिज्म का? स्कूल ऑफ बुद्धिज्म इज लार्जली डिवाइडेड ऑन टू क्वेश्चंस। इसको याद करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि देर आर टू क्वेश्चंस विच आर आंसर्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट। ऑन द बेसिस ऑफ दिस देर इज अ डिवीजन बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। क्या वो दो क्वेश्चन है? सबसे पहला क्वेश्चन है, इज एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल? ये जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड दिख रहा है क्या ये रियल है या नहीं? इस चीज को अलग अलग स्कूल अलग अलग तरीके से आंसर करते हैं, उसी बेसिस पे डिवीजन होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ रियल देन हाउ कैन वी नो इट? भाई जो स्कूल ऑफ थॉट ये बोलते हैं कि एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल है तो हम उसे जान कैसे सकते हैं, राइट? उस पे अलग अलग स्कूल का अलग अलग ओपिनियन होगा, ठीक है ना। तो ये ऑफ कोर्स मेटाफिजिक्स है, इजंट इट, कि रियलिटी क्या है, और ये एपिस्टेमोलॉजी है कि हाउ कैन वी नो द रियलिटी, हाउ थ्योरी ऑफ नॉलेज। समझ में आ रहा है ना, लिंक कर पा रहे हो? ठीक है ना, अब देखते हैं। फॉर द डिवीजन एक्सटर्नल रियल, तो सबसे पहले वो स्कूल ऑफ थॉट आता है जो बोलता है एक्सटर्नल वर्ल्ड इज रियल, है ना, हिनायान स्कूल, या फिर हम इसे बोलते हैं सर्वस्तिवादिन, है ना, नाम से देखते हैं सर्वस्तिवादिन। सर्वस्त मतलब एवरीथिंग इज रियल, सर्व एवरीथिंग इज रियल, नाम से पता लगा सर्वस्तिवादिन। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड हो या इंटरनल वर्ल्ड हो, बाहर का वर्ल्ड हो या अंदर का वर्ल्ड हो, बोथ आर रियल, है ना। देखो भाई आपको रट्टा लगाने नहीं पड़ेगा अगर आप ये कीवर्ड याद कर लोगे, सर्वस्तिवादिन, सर्व मतलब एवरीथिंग इज रियल, एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल, है ना। अब इसको हिनायान फिर क्यों बोलते हैं? जो थ्योरी एक्सटर्नल वर्ल्ड को भी रियल मान रही है, मतलब थोड़ा मेटीरियलिज्म को भी वो रियल मान रही है एक तरीके से, है ना, तो वो थोड़ा डाउनग्रेडेड फिलोसफी है ना। तो हिनायान, हिन एक्चुअली इज अ नेगेटिव वर्ड, हिन इज नॉट अ पॉजिटिव वर्ड, इट इज अ नेगेटिव वर्ड। तो जो दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है ना महायान, उन्होंने इस इन स्कूल ऑफ थॉट को नाम दिया हिनायान, एक नेगेटिव वर्ड है, इसको बोलते हैं लेसर वाइकल, ये लेसर ऑर्डिनरी पीपल के लिए फिलोसफी। ठीक है, समझ में आया। तो दिस वर्ड इज गिवन बाय महायान टू द हिनायान स्कूल, है ना। हिनायान स्कूल क्या बोलते हैं? दे रिगार्ड बुद्ध एज अ ह्यूमन बींग। अब ये डिबेट है विद इन बुद्धिज्म कि एक्चुअली जो गौतम बुद्ध की लाइफ थी क्या वो रियल थी, मतलब क्या गौतम बुद्ध एक कॉमन ह्यूमन बीइंग थे एंड ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट, ही हैज गॉन थ्रू ऑल द सफरिंग, उसके बाद उन्हें वो मोक्ष का रास्ता मिला और उन्होंने निर्वाण अटेन किया, क्या वो रियल जर्नी थी? या फिर दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या बोलता है कि गौतम बुद्ध वॉज नॉट अ ह्यूमन बींग, ही वॉज ऑलरेडी अ लिबरेटेड सेंट, है ना, वो आए इस वर्ल्ड में टू मोटिवेट ऑल ऑफ अस, ही वॉज नॉट अ रियल ह्यूमन बींग, वो आए वो हमें मोटिवेट करने के लिए, अपनी जर्नी के थ्रू हमें वो मोटिवेट करके गए, समझ में आया, है ना। तो अब हिनायान स्कूल ये बोलता है कि ही वॉज अ रियल ह्यूमन बींग एंड ही हैज वेंट थ्रू ऑल दो सफरिंग और उसके बाद निर्वाण अटेन किया, इसीलिए हिनायान स्कूल नो आइडल वर्शिप,
देवता नहीं थे ह्यूमन गौतम बुद्धा, तो आइडल वर्शिप नहीं करना है आपको, समझ में आया? आप इसी से आप महायान स्कूल समझ जाओगे। तो महायान स्कूल क्या बोलेगा, है ना, कि गौतम बुद्धा वॉज नॉट अ ह्यूमन बींग, ही वॉज देयर जस्ट टू मोटिवेट अस, है ना, इसलिए वो आइडल वर्शिप महायान स्कूल में इतनी ज्यादा है। समझ में आया ना लॉजिक है हर चीज के पीछे। एक और की वर्ड है यहाँ पे थेरावादा, ये भी यूपीएससी ने पूछा हुआ है। जो थेरावादा स्कूल ऑफ थॉट है, इट इज जस्ट अ वेरिएशन ऑफ हिनायान स्कूल ओनली, इट इज वेरी मच क्लोजर टू हिनायान। तो थेरावाद की फिलोसफी और हिनायान की फिलोसफी सेम है, क्वेश्चन आए तो इसी तरीके से आंसर करना, ठीक है ना। अब विद इन हिनायान स्कूल देर आर टू स्कूल्स, विद इन हिनायान देर आर टू स्कूल्स। पहला क्वेश्चन क्या था, इज एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल, हिनायान ने क्या बोला, यस इट इज रियल, एक्सटर्नल इज ऑल्सो रियल, इंटरनल इज ऑल्सो रियल, ठीक है ना। उस वर्ल्ड को हम जानेंगे कैसे, हाउ टू नो दैट वर्ल्ड, इस पे फर्दर हिनायान के दो स्कूल हैं, स्वतंत्रिका एंड वैभेषिका। स्वतंत्रिका क्या बोलते हैं, थ्रू द इन्फरेंस वी कैन नो द एक्सटर्नल वर्ल्ड, मतलब अपन डायरेक्टली नहीं परसीव कर सकते बाहर वाले वर्ल्ड को, है ना, हम बस इन्फर कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। मैंने यहां पे टच किया इस टेबल को, मैं इसको डायरेक्टली देख सकता, बट जब मेरा सेंसरी परसेप्शन जो थे उसने से टच किया तो मैंने इन्फर किया यहां पे कुछ होगा। दिस इज वॉट समवेयर इन द लेम लैंग्वेज स्वतंत्रिका इज सेइंग, ठीक है ना। और वैभेषिका क्या कहते हैं, वी कैन डायरेक्टली परसीव थिंग्स, है ना। तो बस आपको याद रखना है, स्वतंत्रिका क्या रहा है, थ्रू इन्फ्रेंस वी आर गेटिंग द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड, एंड वैभेषिका बोल रहा है थ्रू परसेप्शन, डायरेक्ट परसेप्शन वी आर गेटिंग द नॉलेज ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड। इसका मैंने कोड बनाया हुआ था, सिंपल इंटरेस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है ना। वैभेषिका परसेप्शन, स्वतंत्रिका इन्फ्रेंस, सिंपल इंटरेस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट, याद कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब इजी है बिल्कुल। अगला स्कूल ऑफ थॉट क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉट रियल, एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल नहीं है, है ना। जो रियल थे वो कौन बोल रहे थे, हिनायान सर्वस्थिवादिन। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड नॉट रियल कौन बोल रहा है, महायान स्कूल ऑफ थॉट, याद रखोगे। इसको बोलते हैं ग्रेटर व्हीकल, ठीक है, वो लोअर व्हीकल था, ये ग्रेटर व्हीकल है। दे रिगार्ड बुद्धा एज अ देवता, ही वॉज नॉट अ ह्यूमन बींग, ही वॉज देयर जस्ट टू मोटिवेट अस, दैट इज वाई आइडल वर्शिप इज रिक्वायर्ड फॉर द गौतम बुद्धा। समझ में आया, ठीक है ना, ही वॉज देयर टू मोटिवेट अस। समझ में आया। अब एक चीज और समझना, वेन महायान स्कूल इज सेइंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉट रियल, मीनिंग क्या है इस बात का, हमें तो दिख रहा है एक्सटर्नल वर्ल्ड, आप कैसे कह रहे हो रियल नहीं है। उनका रियल ना होने का मीनिंग ये है, दे आर सेइंग कि एक्सटर्नल वर्ल्ड की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, है ना, एक्सटर्नल वर्ल्ड डिपेंडेंट है चीजों पे, नॉट रियल का ये मीनिंग है। समझ में आया, दिख तो रही है ना, रियल तो है ही। तो इनका क्या मीनिंग है, व्हेन दे आर सेइंग कि एक्सटर्नल वर्ल्ड इज नॉट रियल, दे आर मीनिंग कि दे एक्सटर्नल वर्ल्ड डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है ना। समझ में आया। अब विद इन महायान देर आर टू सब स्कूल, जैसे हिनायान में दो सब स्कूल थे, स्वतंत्रिका एंड वैभेषिका, ऐसी महायान में दो सब स्कूल है ना। वो किस चीज पे डिवाइडेड है, वो कहते हैं डज इवन माइंड रियल, भाई अगर महायान ने ये बोल दिया एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल ही नहीं है तो उसकी नॉलेज की तो बात ही करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या उठा कि इवन माइंड रियल है या नहीं है, तो इस पे भी दो स्कूल ऑफ थॉट है विद इन महायान। तो पहला स्कूल है योगचर विज्ञानवाद, भाई देखो क्वेश्चन आया हुआ है तभी बता रहा हूं मैं, यहां से ये सारे कीवर्ड सर्च करोगे यूपीएससी पीवाईयू में मिल जाएंगे, योगचरा विज्ञानवाद। विज्ञान का मतलब क्या होता है, कॉन्शियसनेस, है ना। तो क्या बोल रहा है योगचरा विज्ञानवाद, कॉन्शियसनेस इज रियल, माइंड इज रियल, ठीक है एक्सटर्नल वर्ल्ड रियल नहीं है बट माइंड रियल है। समझ में आया, योगचरा विज्ञानवाद। और देन दिस इज द लास्ट स्कूल ऑफ थॉट, नागार्जुन का स्कूल ऑफ थॉट है, जो मध्यामिका स्कूल जिसे बोलते हैं, आपने पॉपुलरली सुना होगा मध्यामिका स्कूल ऑफ बुद्धिज्म गिवन बाय नागार्जुना। वो क्या कहता है, इवन माइंड इज नॉट रियल, नीदर द एक्सटर्नल वर्ल्ड नॉट द माइंड इज रियल, ठीक है ना। नॉट रियल का मतलब मैं आपको बता चुका, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है उसकी, ठीक है ना, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट, है ना। इसमें आपने एक बुक का नाम भी सुना होगा मिलिंद पानो, है ना, विच इज रिटन बाय नागसेन, है ना, और किंग मिलिंद के ऊपर ये बुक लिखी गई थी, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। चलो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व, ये भी यूपीएससी पूछ चुका है। अब ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व है ये याद रखना, इट एग्जिस्ट इन महायान स्कूल, हिनायान में नहीं है, वो तो लोअर व्हीकल है ना, ग्रेटर व्हीकल में। महायान में कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व है, याद रखोगे ये,
ठीक है ना। बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बोधिसत्व इज समबडी हु इज वेरी क्लोज टू एनलाइटनमेंट है ना, बट हु इज डिलेइंग हिज ओन एनलाइटनमेंट टू गाइड अदर पीपल। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व इन महायान, द वन हु डिलेज हिज एनलाइटनमेंट टू सपोर्ट अदर पीपल। डन, ऑल राइट, आई थिंक खत्म हो गया, डन। तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलोसफी। इसके अलावा, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा इस वीडियो को दो बार देखिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं, मिनिमम वन, एंड देर आर गुड चांसेस कि 2 to 3 क्वेश्चन यू विल बी एबल टू सॉल्व थ्रू दिस पर्टिकुलर वीडियो, है ना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। और इसके बाद इसका अगर PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाके टेलीग्राम चैनल पे जाके इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।